हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन मैं हूं डॉक्टर एवरी भारद्वाज मैं लेकर आई हूं बायोलॉजी फॉर क्लास और आप मेरे साथ पढ़ रहे हैं एनसीआर आज के इस सेशन में हम स्टार्ट करने वाले हैं ब्रांड न्यू चैप्टर जिसका नाम है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स जो की, जो की आपकी एन का सेवेंथ चैप्टर है और जहां से हर साल कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में चाहे वो नीट हो या एम्स हो एक क्वेश्चन जो है वो आना ही आना है एक पार्ट से राइट ऐसा नहीं है कि इस चैप्टर को हम छोड़ के जा सकते हैं या स्किप कर सकते हैं यह हर तरह से इंपॉर्टेंट चैप्टर है चाहे हमें कॉलेज में जाके अपनी आगे की पढ़ाई करनी हो या आज के एग्जाम्स देने हो हर चीज जानने के लिए समझने के लिए ये कंसेप्ट जानना बेसिक है जरूरी है तो आज इस सेशन में हम किस बारे में बात करेंगे जैसा कि आपको दिख रहा है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल यानी कि एनिमल्स की बॉडी के जो स्ट्रक्चर्स हैं वो कैसे अरेंज्ड हैं क्या फंक्शन करते हैं इस बारे में हम इस चैप्टर में बात करेंगे डिटेल में और इस चैप्टर से रिलेटेड थोड़ा सा पार्ट आपने क्लास नाइन्थ में टिश्यू चैप्टर में भी पढ़ा हुआ है तो हम उसका एडवांस वर्जन आज यहां पर पढ़ेंगे प्रीवियस सेशन में हमने इससे पहले के सारे चैप्टर्स के uh, से रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स और क्वेश्चंस कर लिए थे सॉल्व आज स्टार्ट करने वाले हैं इस चैप्टर के लिए क्विक रिवीजन लेकिन स्टार्ट करने से पहले आपके लिए एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन ये है कि मैग्नेट ब्रिंस पर किंडर से क्लास ट्वेल्थ तक के सभी स्टूडेंट्स के लिए सीबीएसई एनसीआरटी की बुक्स अदर फेमस राइटर्स की बुक्स कुछ चैप्टर्स के वीडियोस देखने के बाद भी आपको कोई पेज सब्सक्रिप्शन नहीं लेना है अच्छे से आप अपनी पढ़ाई क्वालिटी कंटेंट और बेस्ट टीचर्स के साथ कर सकते हैं सिर्फ मैग्नेट ब्रेन्स पर आइए आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं आज के सेशन में हम बात करेंगे स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स की और हर बार की तरह चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको उस चैप्टर से रिलेटेड कराती हूं कुछ कीवर्ड्स तो आज हम फिर से करेंगे इस नए चैप्टर के लिए कुछ कीवर्ड्स देखते हैं पहला कीवर्ड क्या है फर्स्ट कीवर्ड इज द सेल जंक्शन फर्स्ट कीवर्ड इज द सेल जंक्शन नाम से समझ में आता है सेल हम सब जानते हैं दी यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज सेल और जंक्शन यानी उनके बीच का जो ब्रिज है जो उन दो सेल्स को जोड़ कर रखे तो जब हम ह्यूमन बॉडी में या फिर किसी और एनिमल की बॉडी में सेल्स को पढ़ने जाते हैं तो उनके बीच का जो जंक्शन होता है उनके बीच का जो कनेक्शन होता है वो दो सेल्स जो हैं नेबरिंग सेल्स वो जुड़े होते हैं कुछ अलग अलग टाइप के जंक्शन से जैसे कि टाइट जंक्शन अढ़ेरिंग जंक्शन या फिर गैप जंक्शन तो सेल जंक्शन इज नथिंग बट दी कनेक्शन और जंक्शन बिटवीन टू नेबरिंग सेल्स देखिए, सेल जंक्शन आर दी स्ट्रक्चर्स विच होल्ड दी सेल्स ऑफ अ टिश्यू टूगेदर जो दो सेल्स को आपस में पकड़ के रखेगा वेन दे आर नॉट वाइडली सेपरेटेड बाई एक्स्ट्रा सेल्युलर स्पेसेस लेकिन एक खास बात इन सेल जंक्शन की यह होती है कि अगर सेल बहुत दूर दूर है है ना अगर इंटर सेल इंटर इंटर सेल्यूलर स्पेसेस हैं दो सेल्स के बीच में कई सारी स्पेस है तब ये जंक्शन नहीं बना पाएगा लेकिन अगर क्लोजली आ, क्लोजली प्लेस्ड है सेल्स तो उनके बीच में ये ऐसे जंक्शन बना के रखता है तो दो सेल्स को जोड़कर रखता है और जंक्शन क्या काम करेगा कुछ एक्सचेंज ऑफ मटीरियल्स का काम करेगा कोई मटीरियल एक सेल से दूसरे सेल में जाएगा जब जंक्शन है तो राइट सो दैट इज अबाउट दी सेल जंक्शन नेक्स्ट कीवर्ड है सार्कोमेयर अब ये सार्कोमेयर स्टूडेंट्स जो हैं वो अपने कॉलेज लाइफ तक भी नहीं समझ पाते हैं कि सार्कोमेयर एक्चुअली में होता क्या है सार्कोमेयर वैसे तो बहुत बड़ा कंसेप्ट है लेकिन मैं आपको बस थोड़े से वर्ड्स में थोड़े से सेंटेंस में इसे समझाती हूँ सार्कोमेयर जो होता है वो हमारी मसल्स में फंक्शनल यूनिट होता है फंक्शनल यूनिट जब मैं बोलती हूं तो डेफिनेटली मैं बात कर रही हूं मसल के किसी फंक्शन की मसल का फंक्शन क्या होता है, like this, मतलब मेरी कैसी है? अभी ऐसे स्ट्रेच मसल right? लेकिन अगर मुझे इसको मोड़ना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा मेरी मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ेगा मसल्स को सिकुड़ना पड़ेगा तो ये जो मसल्स स्ट्रेच होती हैं सिकुड़ती हैं यानी कि कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन करती हैं यही काम सार्को मेयर कराता है और वो कैसे कराता है जब हम मसल का इंटरनल स्ट्रक्चर यानी कि मसल की अनाटमी जब हम पढ़ते हैं तो हम ये देखते हैं कि मसल में कई सारे अलग अलग टाइप के बैंड्स होते हैं किस चीज के बैंड होते हैं फिलामेंट्स के फाइबर्स हमने पढ़ा हुआ है कि मसल जो है वो मसल सेल के फॉर्म में मसल फाइबर्स से बनी होती है और वही फाइबर्स जो हैं ये एक पैटर्न दिखाते हैं जब हम मसल की एक स्लाइड बनाकर उसको माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो हमें माइक्रोस्कोप में वो स्लाइड कैसी दिखती है अगर ये मसल का वो पीस है है ना तो हमें इसमें कुछ हैिगैक्ट पैटर्न दिखता है ऐसा ऐसा पैटर्न दिखता है तो मैडम ये जिग्जैक्ट पैटर्न कैसे बना ये अलग अलग टाइप के फाइबर्स से बना यहाँ पर इसके लिए एक पिक्चर है इसे ध्यान से देखिए ये हमारा एक मायोफाइब्रिल है है ना मसल फाइबर है ठीक इसमें हमें सार्कोमियर अगर देखना है कौन सा है तो उसके लिए हमें क्या पता होना चाहिए कि इसमें अलग अलग टाइप के जोन्स या बैंड्स होते हैं यानी कि मसल फाइबर्स होते हैं जैसे एक होता है जेड लाइन एक होता है आई बैंड एक होता है एम लाइन एच जोन और जोन ऑफ ओवरलैपिंग मतलब क्या होता है कि अलग अलग टाइप के कोई मोटा फिलामेंट है थिक फिलामेंट है कोई पतला फिलामेंट है थिन फिलामेंट है और जब आप क्या करते हो इन फिलामेंट्स को एक फिलामेंट ये

एक बैंड है और रेड वाला दूसरा बैंड है तो ऐसे ही ऑल्टरनेटिवली मुझे कुछ बैंड्स की ओवरलैपिंग दिख रही है एक जगह दो या तीन टाइप के बैंड्स दिख रहे हैं तो ऐसी जगह जब मिलती है जहां पर जहां पर ये जेड लाइन से लेकर ये जो जेड लाइन है जेड लाइन के फिलामेंट से लेकर आई बैंड भी हो एम एम लाइन भी हो एच जोन भी हो यानी एक समय ऐसा आता है जहां पर अलग अलग फाइबर्स थोड़ा थोड़ा ओवरलैप करते हुए हमें एक साथ दिखते हैं तो जहां से वो दिखना चालू हुआ है वहां से लेकर के दूसरी बार जब वो दिखेगा यानी जहां पर ओवरलैपिंग हुई फिर जहां पर सिंगल सिंगल बैंड दिखे फिर जहां दोबारा ओवरलैपिंग दिखी इस पूरे सेक्शन को हम कहते हैं अगर नहीं समझ में आया ध्यान से सुनो अलग -अलग, जोन्स थे, अलग अलग बैंड थे ठीक है वो एक लाइन में अरेंज्ड है लेकिन एक समय ऐसा आता है एक पॉइंट हमें ऐसा मिलता है जहां पर एक बैंड ये था फिर एक बैंड ये था फिर एक बैंड ये था लेकिन जब नया बैंड चालू हुआ तो यहां पर साइड में हमको कुछ ओवरलैपिंग दिख रही थी ठीक you <laughs> तो ये ओवरलैपिंग जहां से स्टार्ट हो रही है वहां से लेकर के जब हमें दूसरी ओवरलैपिंग दिखेगी यानी पूरा एक कंप्लीट जोन जहां हमें हर टाइप के बैंड दिखते हो हर टाइप की लाइन दिखती हो फाइबर दिखता हो यानी हमें वहां पर जेड लाइन भी दिखी आई बैंड भी भी दिखा एम लाइन दिखी एड जोन भी दिखा सब कुछ थोड़ा थोड़ा हमें एक पॉइंट पर मिल जाता है देखने को ओवरलैप करता हुआ तो वो पूरा सेक्शन जहां से ओवरलैपिंग चालू हुई जहां तक खत्म हुई ये पूरा एक सेक्शन सार्को कहलाता है जब मैं इसी चैप्टर में आपको आगे जाके मसल पढ़ाऊंगी तो मैं ये वहां दोबारा से बताऊंगी अभी के लिए इतना समझ लीजिए कि अगर आपको कहीं पे बुक में लिखा हुआ या किसी भी क्वेश्चन में लिखा हुआ सार्कोमेयर मिल जाए तो सार्कोमेयर इज फंक्शनल यूनिट ऑफ मसल विच कंटेन्स ऑल द लाइंस एंड ज़ोन्स ऑफ़ चाहे वो थिक बैंड हो लाइट बैंड हो एच बैंड हो आई बैंड हो थिक या थिन फिलामेंट्स हो दैट्स इट दैट इज़ ऑल से तो सार्कोमेयर को देखो इन्होंने यहाँ कितना सिंपली डिफाइन किया स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ मसल टिश्यू इज कॉल्ड सार्कोमेर क्योंकि जिस समय जिस जगह पर हमको ये बैंड्स ओवरलैप करते हुए दिखेंगे वही सबसे ज्यादा मूवमेंट यानी कि कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन हो रहा होगा इसलिए इसको स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट बोला गया next है नेक्स्ट है नेक्स्ट है स्पर्मेटोफोर स्पर्मेटोफोर एक कैप्सूल होती है है ना जैसे हम मेडिसिन खाते हैं तो एक कैप्सूल खाते हैं एक टैबलेट खाते हैं टैबलेट कैसी होती है पूरी पाउडर का एक बना हुआ सोप जैसा एक पाउडर का बना हुआ टैबलेट होता है है ना थिक लेकिन कैप्सूल कैसा होता है कैप्सूल एक कवर है जिसके अंदर कुछ केमिकल प्रेजेंट है तो वो कवर है जिसके अंदर कुछ प्रेजेंट है ऐसे ही स्पर्मेटोफोर एक कवर है जिसके अंदर स्पर्मेटोजोआ प्रेजेंट है व्हाट इज स्पर्मेटोजोआ द वन व्हिच इज गोइंग टू टेक पार्ट इन द फर्टिलाइजेशन स्पर्म जैसे मेल्स में स्पर्म्स होते हैं वैसे ही स्पर्मेटोजोआ होते हैं जो एक बैग के अंदर रखे रहते हैं कहाँ जो कहलाता है स्पर्मेटोफोर तो ये किसमें देखे जाते हैं कॉकरोच में और अर्थवर्म में ठीक देखिए स्पर्मेटोफोर्स आर बंडल्स और मासेस ऑफ स्पर्मेटोजोआ यानी कि स्पर्मेटोफोर एक ऐसी कैप्सूल है जिसमें बहुत सारे मास बहुत सारे बंडल्स रखे हैं स्पर्मेटोजोआ के जो काय में देखा जाता है कॉकरोचेस में और अर्थवर्म में और एक्चुअली में जब ये स्पर्मेटोजोआ स्पर्मेटोफोर नाम के कैप्सूल में रखे हैं तो कब यूटिलाइज होंगे जब मेटिंग होगी तब फर्टिलाइजेशन के लिए ये स्पर्मेटोजोआ अपने स्पर्मेटोफोर्स में से निकलकर बाहर आएंगे और फर्टिलाइजेशन में पार्ट लेंगे टू फ्यूज विथ फीमेल गेमिट क्लियर दैट इज ऑल अबाउट दीज की वर्ड नेक्स्ट की वर्ड देखते हैं नेक्स्ट की वर्ड इज निम्फ जो होता है निम्फ जो है वो यंग वन होता है कॉकरोच का का जो छोटा बेबी है that is the nymph. Lekin, तो अपने होते हैं, और नीप्रोडक्टिव पार्ट होता है ठीक बिकॉज इट इज अंग नॉट गोइंग टू हैव इट्स ओन विंग्स नॉर इट गोइंग टू हैोडक्टिव पार्ट सो दंग वन ऑफ दॉक्रोच इज कॉल्ड सो यंग ऑफ कॉक्रोच लाइक इनसेक्स

यंग ऑफ कॉकरोच लाइक इंसेक्ट जो अडल्ट के जैसा है बट लैक्स विंग्स एंड रिप्रोडक्टिव ऑर्गन आर कॉल्ड निम्फ इनको निम्फ बोला जाता है दैट इज ऑल अबाउट दी की वर्ड अब हम हमारे एक्चुअली में चैप्टर की तरफ मूव करते हैं जो कि क्या है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स तो हमारे पास क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल टिश्यू है यहां पर लेकिन इसको चालू करने से पहले इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ बेसिक्स बता देती हूं और वो ये कि जब भी हम बोलते हैं टिश्यू है ना तो वॉट इज टिश्यू वॉट इज टिश्यू टिश्यू इज बेसिकली अ ग्रुप ऑफ सेल्स अ ग्रुप ऑफ सेल्स विच आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर और ओरिजिन या तो वो एक जगह से जन्मे होंगे या वो एक जैसा काम कर रहे होंगे और अगर ऐसे ग्रुप के सेल्स मिल जाएं, तो हम उसे कहते हैं टिश्यू क्योंकि हमने एक हायर की नाइन्थ क्लास में पढ़ी थी दैट दी सेल्स दी सेल्स फॉर्म टिश्यू दी टिश्यूज टूगेदर जब जब बहुत सारे तो सेल्स हैं तो उनने मिलकर टिश्यू बनाए जब बहुत सारे टिश्यूज हैं तो उनने मिलकर ऑर्गन बनाया बहुत सारे ऑर्गन हैं तो उनने मिलकर ऑर्गन सिस्टम बनाया ठीक ऑर्गन सिस्टम से फिर एक पूरा ऑर्गेनिज्म बन जाता है तो हम सेल्स पढ़ चुके थे अब हम बात कर रहे हैं टिश्यू की धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे तो टिश्यूज जो होता है इट इज अ ग्रुप ऑफ सेल और ये ग्रुप ऑफ सेल का नेचर कैसा हो सकता है ये ग्रुप ऑफ सेल नेचर में आ, कैसे हो सकते हैं या तो एक जैसी जगह से ओरिजिन हुआ होगा या फिर फंक्शन एक जैसा करेंगे फंक्शन एक जैसा करने का क्या मतलब है जैसे ब्लड है है टिश्यू तो ब्लड तो में कितने सारे सेल्स हैं हैं प्लेटलेट्स हैं लेकिन सारा का सारा सबका काम जो है वो एक जैसा है ठीक है तो ये जो टिश्यूज होते हैं इनके सेल्स एक जैसा काम कर, करते हैं ठीक तो हमें मालूम है टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ सेल्स अब जब हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल टिश्यू की तो एनिमल्स की बॉडी में कई सारे टाइप के टिश्यूज हैं जिनने मिलकर के इस बॉडी को अच्छे से ऑर्गेनाइज कर रखा है राइट देखो क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल टिश्यू एनिमल सेल्स according इन the अकॉर्डिंग टू perform. एनिमल की बॉडी में कोई भी सेल जो है वो specialized होता है अपने particular फंक्शन के लिए फॉर example अगर मैं नर्व सेल की या neuron की बात करती हूँ तो वो लॉन्ग होता है नर्व सेल जो है वो इस तरीके से दिखता है और लॉन्ग होता है ऐसा क्यों होता है ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इसकी टेंडेंसी है कि इसको कहीं से मैसेज लेकर आना है और फिर वो मैसेज जो है वो ट्रांसफर करना है टू अदर पार्ट्स और टू अदर न्यूरॉन्स और इसीलिए ये लंबा है बिजली की तरह इसमें से लाइट की तरह इसमें से क्या निकलेगा मैसेज तो इसीलिए इसका शेप ऐसा है राइट right? इसके अलावा अगर मैं आर की बात करूँ अगर मैं ये हटा दूँ और मैं आर रेड ब्लड सेल की बात करूँ तो वो ऐसा होता है ऐसा क्यों होता है क्योंकि उसको अपने अंदर हीमोग्लोबिन को जगह देनी है हीमोग्लोबिन को जगह देगा तब तो हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन कंबाइन करेगा और जब वो ऑक्सीमोगलोबिन बनाएगा ऑक्सीजन ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन तब जाके ये बॉडी को अपना प्रोवाइड कर पाएगा तो इसने पूरा रूम किसको दे रखा है पूरा रूम दे रखा है हीमोग्लोबिन को अगर मैं फैट सेल की बात करूं तो फैट सेल ऐसा होता है जिसमें यहां पूरे में फैट भरा हुआ है और यहां पर न्यूक्लियस है बाकी ये पूरा फैट है एक तरफ न्यूक्लियस है ऐसा डिजाइन क्यों है क्योंकि भैया ये फैट सेल है फैट सेल होने के कारण इसका ये फर्ज बनता है कि इसको बहुत सारा जगह बहुत सारा स्पेस किसको देना है फैट को देना है ठीक है सो एवरी सेल इज डिजाइंड इन सच अ वे सो दैट इट परफॉर्म्स अ स्पेसिफिक फंक्शन हर सेल का जो स्ट्रक्चर है वो इस तरीके से बनाया गया है कि वो अपना फंक्शन आसानी से कर पाए इतना समझ गए इतना क्लियर हो गया ओके okay. अकॉर्डिंगली अब जैसे जैसे इनके स्ट्रक्चर हैं वैसे वैसे इनके काम हैं और उस तरीके से ही इन्हें डिवाइड किया गया दे आर क्लासिफाइड इन टू पहला है एपीथीलियल टिश्यू एपीथीलियल टिश्यू एपीथीलियम जो होती है वो हमारी एपिडर्मिस की लेयर होती है है ना तो हमने प्लांट में भी एपिडर्मिस पढ़ा था तो ये जो हमारी स्किन होती है बस यही हमारी एपीथीलियम है और एपीथीलियम की खास बात ये होती है कि एपीथीलियम का ओरिजन तीनों जर्म लेयर से आता है एक्टोडर्म से मीजोडर्म से एज वेल एज एंडोडर्म से हाउ ब्यूटिफुल इट इज डिजाइन है ना ऐसा क्यों होता है इसका रीजन भी मैं आपको बताऊंगी लेकिन मैं आपको सिर्फ ये चीज कनेक्ट करवा रही हूं क्योंकि हम बहुत अच्छे से जर्म लेयर्स पढ़ चुके हैं और बहुत अच्छे से हमने क्या पढ़ लिया है जर्म लेयर के अलावा कि कैसे कैसे जब बॉडी बनती है तो कैसे कैसे टिश्यूज और ऑर्गन बनते हैं कौन सी जर्म लेयर से तो तीन जर्म लेयर हमने पढ़ी थी जब एम्ब्रियो डेवलप होता था उस दौरान ये लेयर्स लेयर्स बनती थी और इन लेयर्स से सबका कंट्रीब्यूशन होता है इस एपिथेलियल एपिथेलियल टिश्यू टिश्यू को बनाने में जो कवरिंग या लाइनिंग बॉडी की बनाएगा अभी इतना ध्यान रखो एक एक करके डिस्कस करेंगे देन वी हैव कनेक्टिव टिश्यू नाम से समझ में आता है कोई ऐसा टिश्यू जो कनेक्शन बना के रखे ब्लड को कनेक्टिव टिश्यू क्यों बोला है क्योंकि अगर आपने कोई मेडिसिन खाई है तो उसका असर ब्रेन में प्रेजेंट जो सेल्स हैं उन पे भी होगा जितना कि आपके टो में प्रेजेंट सेल्स पर होगा ऐसा क्यों चाहे बॉडी में कह, कहीं पर कोई भी कॉन्स्टिट्यूएंट हो उसे हर जगह जाना ही अगर वो ब्लड में चला गया ब्लड ने कनेक्शन के रखा है हेड से टो तक

लेग्स के मसल वर्क कर रहे हैं स्ट्रेच um, करना है यू नीड टू स्टैंड यू नीड टू सेट एवरी फंक्शन इज परफॉर्म्ड विद दी हेल्प ऑफ मसल्स, सो दैट इज मस्कुलर टिश्यू फिर आता है नर्वस टिश्यू सबसे इंटेलिजेंट टिश्यू हमारी बॉडी का यानी कि न्यूरॉन्स नर्व्स है ना ये सारी चीजें किस में आएंगी हमारे नर्वस टिश्यू में विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर ट्रांसमिटिंग मैसेजेस को फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स में जो काम हो रहा है वो किसने किया नर्वस में तो हमने कितने टाइप के टिश्यूज इस चैप्टर में पढ़ने हमें पढ़ना है एपिथिलियल टिश्यू कनेक्टिव टिश्यू मस्क्यूलर टिश्यू एज वेल एज नर्वस टिश्यू यहां पर डायग्राम्स हुए हैं आप देख सकते हो बट मैं आपको एक एक चीज का डायग्राम डिस्क्राइब करके बना के बताऊंगी एपिथिलियल टिश्यू में नॉर्मल सेल्स दिख रहे हैं जिनके पास इस तरीके से क्या है न्यूक्लियस अरेंज्ड है देखो ये न्यूक्लियस दिख रहा है हर सेल का इसके बाद नर्वस टिश्यू में कुछ कनेक्शन इस तरीके से दिख रहा है और एक्चुअली में नर्वस टिश्यू ऐसा ही दिखता है माइक्रोस्कोप में जब जब देखोगे ना तो इंटरकनेक्टेड एक जाल जैसा दिखता है जैसे बिजली के तार होते हैं ऐसा दिखता है और उसमें से जब मैसेज ट्रांसमिट होता है तो बिल्कुल उसी तरीके से होता है जैसे बहुत तेज कोई लाइट ट्रेवल की हो उसके बाद मसल्स के टिश्यू मसल्स के टिश्यू में मसल सेल्स जो है वो ऐसे फाइबर्स की तरह होते हैं स्पिंडल शेप के ठीक और उसके बाद कनेक्टिव टिश्यू तो कनेक्टिव टिश्यू में आरबीसी आ जाएगा डब्ल्यू आ जाएगा ब्लड में है ना तो ये सारी चीजें हमको इस चैप्टर में पढ़नी है ये चार टिश्यूज पढ़ने हैं नेक्स्ट वील मूव ऑन टू एपीथिलियल टिश्यू अभी हमने ये देख लिया कि हमको ये ये टिश्यू पढ़ने अब हम अपने सबसे पहले टिश्यू के बारे में बात करेंगे जो कि है एपीथीलियल टिश्यू

तो वहां पर आपको पता चलेगा जब आप बॉडी में कट लगाते हो तो ऐसा नहीं है कि बस कोई एक पर्दा आपने हटा दिया और उसके अंदर आपने ऑर्गन देख लिए। देर आर मल्टीपल लेयर्स

पेन में मुझे पेन के अंदर जहाँ पे अपन रिफिल डालते हैं पेन के अंदर रेड कलर करना है तो मैंने क्या किया मैंने पेंट ब्रश लिया पेन के अंदर डाला और पेन के अंदर मैंने उस रेड कलर को कर दिया तो वो रेड कलर पेन के अंदर क्या बना रहा है उसकी लाइनिंग बना रहा है और बाहर से अगर मैंने येलो कलर कर दिया तो येलो कलर क्या बना रहा है उसकी कवरिंग बना रहा है क्योंकि वो बाहर है अंदर जो प्रेजेंट है वो क्या है लाइनिंग है ठीक तो लाइनिंग भी बनेगी एपिथेलियल टिश्यू से कवर भी बनेगा सेल्स आर कॉम्पैक्टली विध वेरी लिटिल एक्स्ट्रा सेल्युलर स्पेस एपिथेलियम टिश्यू जो होता है एपिथेलियल टिश्यू जो होता है इसके सेल्स कॉम्पैक्टली अरेन्ज होते हैं यानी कि इंटर सेल्युलर स्पेस देखने को नहीं मिलता ऐसा क्यों होता है ऐसा इसीलिए होता है बिकॉज इट इज गोइंग टू फॉर्म अ लाइनिंग

मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग जंक्शन है उनके बीच में और ये कनेक्शन होने से क्या होगा कोई भी चीज ऐसे ही आसानी से बॉडी के अंदर ट्रेवल नहीं कर पाएगी सो इज़ दे आर एकदम टाइटली अरेन्ज है एडजेसेंट सेल्स आर लिंक्ड बाय थ्री टाइप्स ऑफ जंक्शन मैंने आपको सेल जंक्शन बताए थे तीन टाइप के टाइट जंक्शन गैप जंक्शन अडेरिंग जंक्शन टाइट जंक्शन अडेरिंग जंक्शन

एंड रिसीव न्यूट्रिय फ्रॉम अंडरलाइंग कनेक्टिव टिश्यू और ये जो हमारी एपिथीलियल टिश्यू है आपको पता है एक बात जितने लोग ये कहते हैं कि हम नॉन वेज नहीं खाते है ना मैं भी नॉन वेज नहीं खाती दो एम एन एजिटेरियन मैं एक खा लेती हूँ ठीक है तो द थिंग इज मेरे घर में नहीं पता है अब मैं घर जाऊंगी तो डिसोन कर सकते हैं वो मुझे कि मैं एक खाती हूँ लेकिन आई डू अब बात यह कि मैं ये कहती हूँ कि मैं नॉनवेज नहीं खाती और आप में से जितने लोग ये कहते हैं कि हम नॉनवेज नहीं खाते वो गलत कह रहे हैं ऐसा पता है क्यों है ऐसा इसलिए है सब अपने घर में रोटी यानी कि चपाती तो खा ही रहे हैं और वो बनी कैसे है वो बनी है डो को प्रिपेयर करने से आटा गूंदने के बाद ही तो बनी होगी ना और ऐसा जब हुआ होगा इफ यू आर मेकिंग अ डो अगर आप आटा गूंद रहे हो बना रहे हो तो क्या होगा उसमें आपने हाथ से ही बनाया होगा बहुत कम लोग होते हैं जो उसमें बनाए है ना मशीन की मदद से जो भी करते हैं तो वो तो बहुत कम लोग करते हैं घर में अपन ऐसे ही आटा गूनते हैं ना उसके बाद फिर रोटी बना के खाते हैं तो होता क्या है वेन यू डूइंग दिस तो आपके जो स्किन के अपर सेल्स हैं वो भी उसमें जा रहे हैं ठीक है और वो जाते ही है देर इज नो अदर वे आउट ऑफ इट वो तो होगा हो ही होगा ठीक तो एक वो जगह थी जहां आपने किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के सेल्स को खाया दूसरी चीज इफ यू आर ऑप्टेनिंग मिल्क जितने लोग भी मिल्क कंज्यूम कर रहे हैं मे बी फ्रॉम अ काओ, गाय का दूध भैंस का दूध जो भी है ना तो उसमें भी उन गाय भैंस जो भी एनिमल जिससे आपने वो मिल्क लिया है उसकी बॉडी के सेल्स भी प्रेजेंट होते हैं इवन अ मदर्स मिल्क कंटेन्स दी सेल्स फ्रॉम दी मदर्स बॉडी हम तो हम सेल्स तो खा ही रहे सो दैट इज अम कि हमने नॉनवेज नहीं खाया है कहीं ना कहीं किसी ना किसी फॉर्म में दिस इज दी वेरी प्रैक्टिकल थिंग आपने खाया ही खाया है ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि हमारी बॉडी के सेल्स हमेशा गिरते रह रहे हैं अपर बॉडी के अपर जो ये लेयर है इसमें हम कहते हैं ना डेड सेल्स हो गए हैं तो इसको क्लीन करो और वो लूफा लेकिन हाउ डेड सेल्स निकलेंगे तो आप अच्छे दिखोगे स्किन हेल्दी दिखेगी वॉट इज दैट डेड सेल वो डेड सेल है ना तो मतलब क्या हो रहा है मतलब आपने सेल्स आपके सेल्स जो है तो यहां पर एक चीज ना, तो हमेशा कुछ ऐसा क्राइटेरिया होता है कि बेस की लेयर से नए सेल्स बनते हैं बेस की लेयर से नए सेल्स बनते हैं बन करके ऊपर की तरफ जाते हैं ऊपर की तरफ जाते हैं और नीचे से हमेशा नए सेल बन रहे हैं टॉप लेयर वाले जो मच्य सेल्स हैं वो गिर जाएंगे डेल वेंट ऑफ ठीक है सो दैट इज ऑल अबाउट प्रैक्टिकल थिंग ये कुछ कैरेक्टर्स होते हैं हमारी एपिथिलियम के अब हम बात करेंगे कि एपिथिलियम का क्लासिफिकेशन क्या होता है चलो आ जाओ

अलग-अलग की की की। हो हो सकती है, शेप हो सकती है, है, है? जिसमें से से, होंगे इस तरीके ठीक और या फिर हो सकती है क्यूबाईडल, तो क्यूबाईडल शेप के सेल्स होंगे, शेप के होंगे, होंगे इस तरीके से या फिर हो सकती है कॉलमनर कॉलमनर में कॉलम लाइक सेल्स होंगे कॉलम लाइक सेल्स होंगे और आपको याद हो तो ये कभी नहीं भूलना कि बेस पर ही न्यूक्लियस होता है कॉलमनर सेल्स में भी ऐसा नहीं है कि सेल जो है वो लार्ज है तो यहां पर न्यूक्लियस होगा सेल हमेशा बेस में न्यूक्लियस रखेगा अपने पास ठीक तो कॉलमनर एपिथिलियम सीलिएटेड तो कुछ छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर अगर सेल के ऊपर प्रेजेंट है तो उसको हम बोलेंगे सीलिएटेड एपिथिलियम ऐसी एपिथिलियम कहा प्रेजेंट होगी जहां पर किसी चीज का मूवमेंट होना होगा तो उनको हमारा ये जो सीलिया है हेयर लाइक स्ट्रक्चर वो मूव करवा देगी तो सिलियेटेड एपीथिलियम और ग्लैंडुलर एपिथिलियम ग्लैंड में प्रेजेंट होती है अलग अलग टाइप के ग्लैंड होते हैं एक्जोक्राइन ग्लैंड एंडोक्राइन ग्लैंड यूनिसेल्युलर ग्लैंड मल्टी सेल्युलर ग्लैंड अभी आगे देखेंगे ये जो ग्लैंड है कोई हॉर्मोन बना रहा है तो कोई बाकी चीजें ईयर बैग्स बना रहा है सिलाई अब कुछ भी चीजें जो बनती हैं वो बना रहा है तो ये बेसिकली जितनी भी चीज बनेगी या तो वो डक्ट के थ्रू जाएगी या बिना डक्ट के जाएगी ठीक है तो डिपेंडिंग अपॉन दैट ग्लैंडुलर एपिथीलियम जो ग्लैंड में प्रेजेंट हो जब हम कंपाउंड एपिथीलियम की बात करते हैं तो कंपाउंड एपिथीलियम दो टाइप की तो स्ट्रेटिफाइड हो कैसी होती है मेनी ऑफ नो अबाउट दिस बट हु नो अबाउट ट्रांजिशनल एपिथिलियम इंप्रेस मी अ लॉट बिकॉज द ओनली एपिथिलियम व्हिच इज काइंड ऑफ एक्सेप्शन जो आपने अपने क्लास नाइन्थ में नहीं पढ़ा होगा दी ट्रांजिशनल एपिथीलियम इज प्रेजेंट इन यूरिनरी ब्लैडर To give away the transitions, जो transition करा रही है कैसा ब्लैडर में उसके अंदर अगर भरी है, तो bladder stretch हो जाता है। तो तो हो जाता हुआ ना size, वो किसने कराया? Transitional epithelium ने। जब यूरिन एक्सपेल आउट हो गई यूरिन बाहर चली गई है तो नॉर्मल साइज पर आ जाएगा यूरिनरी ब्लैडर अगेन किसने काम कराया ट्रांजिशनल एपिथेलियम में स्ट्रेटिफाइड अलग अलग लेयर्स जब सेल में प्रेजेंट हो अलग अलग शेप सॉरी अलग-अलग शेप के सेल्स में तो हम उसको बोलते हैं it, तो हमने देखा टिश्यू दो टाइप का है, यानी एक cell, और यानी कि अलग अलग शेप के दैट इज एंड ग्लैंडुलर लेकिन कंपाउंड में हमें दो टाइप्स पढ़ने स्ट्रेटिफाइड एपिथिलियम एंड ट्रांजिशनल एपिथिलियम आइए एक एक को हम डिस्कस करेंगे First comes the simple epithelium. सबसे पहले हम simple epithelium का पहला type discuss करेंगे, जो कि है simple squamous epithelium. Simple squamous epithelium जो होती है वो कैसी होती है वो ऐसी होती है कि सेल्स जो हैं, वो पतले पतले होते थिन होते और अलग अलग शेप के हो सकते हैं ठीक है तो अलग-अलग शेप -अलग के हो सकते हैं इररेगुलर शेप के हो सकते हैं लेकिन सेल्स पतले रहेंगे थिन रहेंगे सेल्स आर थिन फ्लैट एंड हैव इररेगुलर बाउंड्रीज इररेगुलर बाउंड्रीज मिलेगी जिसकी वजह से शेप थोड़ा अलग दिखता है ठीक इट फॉर्म्स दी इनर लाइनिंग ऑफ दी एल्विओलाई एल्विओलाई कहां प्रेजेंट है हमने पढ़ा था लंग्स के अंदर जहां पर गैसीयस एक्सचेंज हो रहा है वो गैसीयस एक्सचेंज एक बैग है है ना जैसे बलून होता है और ये बहुत सारे बलून प्रेजेंट है हमारे लंग्स के अंदर जिनको हम एल्विलाई बोलते हैं जिसकी मेम्ब्रेन बहुत पतली होती है थिन मेम्ब्रेन होती है ऐसा बैग जैसा दिखता है मेम्ब्रेन इसकी पतली है तो यहां से एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो जाता है जहां से ब्लड वेसल जारी होती है ठीक एंड द फैक्ट अबाउट एलविलाई टेल यू समथिंग अबाउट एलविलाई एवरीबडी नोज कुछ तो हुआ होगा टीयर थोड़ी ना उसने चेक कर लिया कि भाई टीयर से कोई चीज पता चल रही है कि भाई तुम हेल्दी हो ऐसा कुछ नहीं होता है द रीजन बिहाइंड इट इज की जो न्यू बॉर्न होता है वो जब अपने मधर के रूम में होता है तो उन्होंने उस, उस ने कभी भी ब्रीथ नहीं किया होता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस कहां से हो रहा होता है वो अम्बलाइकल कॉर्ड से तो लंग्स उसने कभी यूज ही नहीं किए है ना अब इस चीज को एक, एक अलग जगह रख दो आपको पता है कि लंग्स के अंदर एलविला जहां एक्सचेंज ऑफ गैसेस होने वाला है ठीक है अब जब ये एक्सचेंज ऑफ गैसेस होगा तो इट्स जस्ट लाइक कि आपने एक बलून लिया जिसको कभी फुलाया ना हो नया बलून लिया उसको थोड़ा सा स्ट्रेच किया फुलाना शुरू किया उसमें हवा भरना कितनी एनर्जी लगती है भाई मुझसे तो होता ही नहीं आई कैन नॉट ब्लो अ बलून मेरे से फुग्गे फुलाते तो बनता ही नहीं है वो आई कान डू इट तो लेकिन उसमें बहुत एनर्जी लगती है है ना तो अब आप सोचो एक एक तो था नहीं देर दोनों दोनों भर, आर भर तो ली नहीं है पहली बार आप उसको सांस लेने को बोल रहे हो जैसे ही वो पैदा हुआ अब तो भाई लेनी पड़ेगी कब तक चलेगा ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज आपने कह दिया भाई अब तो सांस लेनी पड़ेगी जैसे ही उसने सांस ली तो बहुत मुश्किल हो रही एक बलून तो यहाँ मैडम से नहीं फूल रहा वो तो छोटा बच्चा है तो उससे तो बेचारे से कैसे सांस लेती बनेगी इतने सारे बलून इतने सारे हलविलाई के अंदर उसको एयर ब्लो करना है तो वो क्या करेगा बहुत कोशिश करेगा सांस लेने की

सांस भरता है जैसे ही सारे बलून एक साथ फूलते हैं इतनी एनर्जी लग जाती है द, द, द किड द द, द न्यूबॉर्न स्टार्ट्स क्राईंग वो बच्चा रोने लगता है और डॉक्टर को पता चल जाता है रो लिया मतलब इसने अपने एल्वोलाई में सांस भर ली है सही है तो इसीलिए वो जरूरी होता है एल्विलाई जो आप ये देख रहे हो यहाँ पे कौन सी एपिथेलियम सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम इतना याद रहेगा अब ब्लड वेसल्स में भी होती है मैंने आपसे बोला एक्सचेंज ऑफ गैसेस होगा यहां से ब्लड तो होगा ये कहा हवा में दे दे रहा था कि को? नहीं पेरिटोनियम ऑफ बॉडी कैविटी पेरिटोनियम ऑफ बॉडी कैविटी इज समथिंग जहां जैसे हमने अपनी एलिमेंट्री कैनाल पढ़ी है ना गट की लाइनिंग उस एलिमेंट्री कैनाल में भी एक्सचेंज ऑफ मटेरियल होना है इंटेस्टाइन सेव हो खाना जा रहा था ना तो वहां पर क्या है सिंपल एपिथीलियम इसके अलावा इट इज इन्वॉल्व इन फॉर्मेशन ऑफ डिफ्यूजन बाउंड्री जहां पर भी डिफ्यूजन होना होगा यानी एक पतली मेम्ब्रेन चाहिए जहां से एक्सचेंज ऑफ थिंग्स हो सके तो डिफ्यूजन का प्रोसेस जहां होना होगा वहां पर ये एपिथीलियम प्रेजेंट होगी ठीक

तो ये जो सेल्स होती हैं, ये कैसे शेप की होती हैं? क्यूब के शेप की होती हैं। तो सेल्स अपीयर क्यूबिकल इन वर्टिकल सेक्शन क्यूबिकल दिखती हैं वर्टिकल सेक्शन में और कहाँ प्रेजेंट होती हैं? सलाइवरी ग्लैंड में सलाइवरी ग्लैंड अलग अलग टाइप के हमने पढ़े थे है ना मैंडिबुलर पैरोटेड याद आ गया सबलिंगुअल कहाँ का, पढ़े थे क्लास टेंथ लाइफ प्रोसेस डाइजेशन पढ़ते वक्त अगर आपको ध्यान नहीं है तो मेरा 10 का वीडियो भी आप देख सकते हो वहां पर मैंने मुंह है, है में प्रेजेंट है प्रोड्यूस हो रहा है पेरोटेड ग्लैंड है जो यहाँ पर कान के आगे प्रेजेंट है सब मैंडिबुलर ये जो हमारा नीचे वाला जो होता है इसको बोलते हैं मैंडिबल तो मैंडिबल के नीचे है इसीलिए सब मैंडिबुलर और सब यानी कि हमारी जो टंग है टंग के नीचे है इसको आप एक्सपीरियंस भी कर सकते हो पूरा सलाइवा पी जाओ पूरा सलाइवा सॉलो कर लो मुंह में एकदम भी सलाइवा नहीं होना चाहिए ठीक है अब थोड़ी देर ऐसे ही रहो कोई सलाइवा नहीं है मुंह में पूरा सलाइवा सोलो कर लिया आपको फील होगा थोड़ा सा सलाइवा आपके टंग के नीचे से बन के आ रहा होगा थोड़ा सा सलाइवा आपके जो मोलर्स होते हैं अपर नीचे ऊपर नीचे वाली जो दाढ़ होती है पीछे की मोलर्स जिसको हम बोलते हैं वहां से थोड़ा सलाइवा आ रहा होगा तो हमें पता चल रहा है कि पेरोटेड ग्लैंड से आ रहा है ये सब लिंग से आ रहा है और यहाँ से आ रहा है सब मैंडिबुलर से ये जो हमारे नीचे वाले एंटीरियर है ना इनके इधर से निकल के आ रहा है सब मैंडिबुलर तो ये जो ग्लैंड है इनके पास कौन सी एपिथिलियम है सिंपल क्यूबॉइडल एपिथिलियम भूलोगे नहीं अब ये जो सलाइवरी ग्लैंड के पास प्रेजेंट है पैनक्रियाटिक ग्लैंड पैनक्रियाज में और थायरॉइड वेसिकल्स में पैनक्रियाज में भी प्रेजेंट है ठीक है पैनक्रियाज कहाँ प्रेजेंट होते थे डाइजेस्टिव सिस्टम जब बनाते थे तो ये तो हमारा माउथ से आया ईसोफेगस आया स्टमक आया स्टमक के नीचे एक ऐसा लीफ लाइक -like स्ट्रक्चर बनाते थे फिर यहाँ पर इंटेस्टाइन होता था यहाँ पर लिवर होता था ठीक है अभी थोड़ा खराब डायग्राम बनाए लीफ पर कॉन्सेंट्रेट करो लीफ वाला जो ये स्ट्रक्चर है इसको हम बोलते थे पैनक्रियाज पैनक्रियाटिक तो यहां पर पैनक्रियाज में भी कौन सी एपिथीलियम होती है क्यूबॉइडल एपिथीलियम पैनक्रियाटिक जूस तो वो वहां जो पैनक उसमें भी एपिथिलियम था गले में थायरॉइड जो है उसके वेसिकल में भी सिंपल एपीथिलियम तो आम क्या होता है फंक्शन हर किसी का इंपॉर्टेंट है फंक्शन सेक्रीशन और एब्सॉर्न का होता है किसका होता है सेक्रीशन और ऑब्जॉर्प्शन एक एक बात जो आपको ईजी लगेगी वो ये है इसके बाद जो हम कॉलमनर नर एपिथिलियम पढ़ेंगे सिंपल कॉलमनर नर एपिथिलियम वहां पर भी फंक्शन सेक्रीशन और ऑब्जॉर्प्शन का ही होगा ठीक है तो इट इज मोर इजी फॉर यू टू मेमोराइज तो हमें डायग्राम मालूम है ऐसे सेल्स दिखते हैं उनके कैरेक्टर्स मालूम है अब देखो सिंपल कॉलमनर नर जो होती है उसमें कैसे सेल्स होते हैं ये दिख रहा है ये कॉलम जैसे लंबे लंबे सेल्स होते हैं कॉलम की तरह लेकिन इंपॉर्टेंट बात क्या है हर बार न्यूक्लियस जो है न्यूक्लियस जो है इट विल बी एट दी बेस ये यहाँ बेस पर न्यूक्लियस है दिख रहा है ना यहाँ बेस में न्यूक्लियस होता है हमेशा कभी भी मैंने अक्सर देखा है बच्चे ये गलती करते हैं स्टूडेंट्स मेक मिस्टेक ऑन दिस यूं बनाएंगे एपिथीलियम यूं बनाएंगे कॉलमनर सेल्स और कॉलमनर सेल्स में कहा बना देते हैं पता है न्यूक्लियस समझ ही गए होगे आपने भी गलती की होगी यहाँ बना देते हैं तो मैं उसको ना कट कर देती हूँ नंबर ही नहीं देती हूँ गलत है ये कहा बनाना है यहाँ बेस पे होते हैं न्यूक्लियस ठीक है लॉन्ग सेल्स है कॉलम जैसे सेल्स है बेस पे न्यूक्लियस है और एक ही लेयर ऑफ सेल्स है इसलिए सिंपल कॉलमनर एपीथिलियम कहलाता है काम इसका ऑब्जॉर्बन और सेक्रीशन का ही होता है पहले बता चुकी हूं इट इज फाउंड इन द इनर सरफेस अच्छा पहले ये वाला देख लो -like. Uh, सेल पर एक ओवल न्यूक्लियस प्रेजेंट है फाउंड इन द इनर सर्फेस ऑफ दॉल ब्लाडर इंटेस्टाइन गैस्ट्रिक ग्लैंड एंड इंटेस्टिनल ग्लैंड चलो भाई चालू हो जाओ स्टमक सबको मालूम है जे शिव्ड ऑर्गन ठीक है जहां पर ये इसोफेगस से आया ये चला गया नीचे ये हमारा स्टमक तो स्टमक के अंदर कौन सी एपिथिलियम कॉलमनर एपीथिलियम होनी भी थी गैस्ट्रिक जूस से क्रीट करेगा गैस्ट्रिक जूस में क्या है हमारा म्यूकस है है और HCL, है पेप्सिन और ना तो ये ऐसा एपिथिलियम होता है वहां पे इतना सारा सेक्रेशन करने के लिए गोल ब्लैडर कहां प्रेजेंट होता है यहां स्टमक के सामने इस तरीके का गोल ब्लैडर जो होता है लिवर जो होता है सॉरी है ना कैसा दिखता है ऐसा ऐसा दिखता है है ना और यहाँ पर 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 होता है 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 इसके अंदर अंदर जो क्या रखता है अपने पास बाइल जूस. तो 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 भी भी कहीं या हो, ये सारी चीजें ही तो स्टमक के अंदर भी तो हो रहा है। है ना गैस्ट्रिक जूस का लिवर के अंदर गॉल ब्लैडर से बाइल जूस का गैस्ट्रिक ग्लैंड गैस्ट्रिक ग्लैंड

ठीक है अब इसमें ये स्ट्रेटिफाइड अरेंजमेंट दे रहा है स्ट्रेटिफाइड अरेंजमेंट क्यों दे रहा है ये न्यूक्लियस अलग अलग जगह पे प्लेस्ड है उस पर अभी नहीं जाते शेप के हमको सेल दिख रहे हैं उनमें हमको न्यूक्लियस भी दिख रहा है ठीक है ये न्यूक्लियस दिख रहे हैं अब इन न्यूक्लियस में ये ऊपर छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है अगर मैं आपको बना के बताऊं तो ये कुछ ऐसा है ऐसा ठीक इसके ऊपर हेयर लाइक स्ट्रक्चर इस तरीके से प्रेजेंट है देख रहे हो मैंने कैसे बनाया है अब वहां जब डायग्राम बनाने जाओगे तो तुम लोग कैसे बनाओगे ये क्या बना रहे हो? रेज क्या है ये ये कुछ नहीं है कैसे बनेगा ये सेल है सेल के ऊपर ये स्ट्रक्चर इस तरीके से भाई वो कोई हेयर नहीं है जो आप ऐसे बना दोगे वो क्या है हेयर लाइक स्ट्रक्चर विच आर कॉल्ड है सीलिया तो इट कंसिस्ट ऑफ कॉलमनर और क्यूबॉइडल एपिथेलियल सेल्स व्हिच बियर सीलिया ऑन देयर फ्री सरफेस फ्री सरफेस मतलब जहां पर कुछ अटैचमेंट नहीं हो तो साइड वाइज तो इनके आपस के सेल का अटैचमेंट है नीचे बेसमेंट मेम्ब्रेन का अटैचमेंट है फ्री सरफेस ऊपर वाली बची वहीं पर जुड़ गए सीलिया फाउंड इन फेलोपियन ट्यूब ब्रोंक्यूल्स नेजल पैसेज मोस्ट इजिएस्ट फेलोपियन ट्यूब हमने फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ा था ऐसा कुछ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता था यहां पर ओवरी यूटरस सर्वेक्स और वजाइना पढ़ा था ये यूटरस सर्वेक्स और वजाइना ऐसा पढ़ा था यहां पर हमारी ओवरी होती थी यहां पर ये ठीक है ये जो है ये फेलोपियन ट्यूब थे ये फेलोपियन ट्यूब थे आपको मालूम है कि ये जो फिम्ब्रेज जिसने पकड़ा हुआ है ओवरी को वो लेंगे ओवरी में से हमारा ओवम ठीक है आई आई शो यू वो लेंगे ओवम तो ओवम यहां ओवरी से फेलोपियन ट्यूब के पास आ जाता है और फिर फेलोपियन ट्यूब में ही फर्टिलाइजेशन होता था यानी कि फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमिट जब ये फ्यूजन हो जाता था तो ये जो ओवम था फर्टिलाइज्ड एग जो था ये धीरे धीरे करके यहां से यहां यहां और फिर फाइनली यूट्रस में आके इम्प्लांट हो जाता था तो ये इसको यहां से इस रास्ते से आने के लिए मदद किसने करी ये रास्ता कुछ ऐसा था ये रास्ता कुछ ऐसा था कि यहां पर ये छोटे छोटे सीलिया प्रेजेंट थे सेल में तो ये क्या करते थे ये जो हमारा ओवम था यहां पर जो ओवम था इसको पुश करते थे ए, ऐसे पुश करते थे तो ये जो ओवम ही नीचे आ जाता था ठीक तो हमारा फेलोपियन ट्यूब में क्या प्रेजेंट है सीलिया वाली एपिथीलियम उसके बाद ब्रोंकि में प्रेजेंट है ब्रोंकाई ब्रोंकि याद है क्या होता था अगर हम लंग्स की बात करें ये हमारे अगर लंग्स हैं ये अगर हमारे लंग्स हैं तो नेजल कैविटी से नेज़ल कैविटी से ट्रेकिया यहाँ पर ट्रेकिया के बाद ब्रोंकाई लेफ्ट एंड राइट में डिवाइड हो जाती थी और उसके बाद छोटे 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 ब्रोंकियल्स होते थे और इन ब्रोंकियल्स से जुड़ी हुई बैग लाइक स्ट्रक्चर एल्व्यूलाई जिसकी वजह से वो छोटा बच्चा रोया था तो ये जो छोटे छोटे ब्रोंक्यूल हैं, यहां पर भी सीलिया प्रेजेंट है यहां पर भी सीलिया प्रेजेंट है, ठीक है थीके? इसके अलावा नेजल पैसेज में नेजल पैसेज में क्यों क्यों प्रेजेंट है भाई एयर में बहुत सारा कचरा भी है जिसको आप ब्रीथ कर रहे हो तो वो जो आ, जो भी वेस्ट है जो कचरा है जो पार्टिकल्स हैं, उनको ट्रैप हो जाएंगे वो रुक जाएंगे आगे नहीं जा पाएंगे और सिर्फ एयर आगे जाएगी तो वो सीलिया ने क्या किया वहां पर जितने भी हमारे डस्ट पार्टिकल्स थे उनको रोक लिया उनको यहीं रोक लिया अटका लिया एयर आगे चली गई दैट्स इट ओके

तो ये कॉलमनर और क्यूबॉइडल में ही प्रेजेंट होते हैं है ना जैसे वहां पर फंक्शन और absorption उन दोनों में देखा था उसी तरीके से जो हमने प्रीवियस वाला सीलिया देखा और जो हमने ये ग्लैंडुलर देखा ये दोनों के दोनों कौन से वाले सेल्स होते हैं कौन सी वाली एपिथिलियम होते हैं शेप ऑफ द सेल की बात करें तो कॉलमनर होते हैं या क्यूबॉइडल कॉलमनर या फिर क्यूबॉइडल कॉलमनर या फिर क्यूबॉइडल शेप के होते हैं और बेस में ही हमेशा ओवल शेप का न्यूक्लियस मिलता है तो दीस आर आर स्पेशलाइज्ड फॉर सेक्रीशन एंड कॉन्स्टिट्यूट ग्लैंड्स जो क्या काम करते हैं देखो ये दोनों बड़े-बड़े हैं ना बड़े-बड़े ग्लैंड्स हैं छोटे पतले अगर ग्लैंड होते तो क्या ही बेचारों में से निकलता तो ये लंबे-लंबे बड़े-बड़े लेंथ में लॉन्ग uh, सेल्स हैं और ये जो हैं ये ब्रॉड हैं थोड़े से ठीक तो इन दोनों में से कुछ सेक्रीट होगा कोई सेक्रीशन होगा इसीलिए ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं हमेशा ग्लैंड में प्रेजेंट होते हैं तो कॉलमनर और क्यूबॉइडल सेल्स विच आर स्पेशलाइज फॉर सेक्रीशन एंड कॉन्स्टिट्यूट ग्लैंड तो ये ग्लैंड दो टाइप के हो सकते हैं यूनिसेलुलर ग्लैंड हो सकता है मल्टी सेल्युलर ग्लैंड हो सकता है यूनिसेल्युलर ग्लैंड मतलब क्या एक ही टाइप के मल्टी सेल्यूलर ग्लैंड टफट सेल टफ यानी ग्रुप ऑफ सेल्स हैं टफ सेल्स आप ऐसा समझ लो घर में हमने अगर कोई वाश रखा और उसमें हमने आ, वो स्ट्रिप्स रखी उसकी छोटे छोटे फूलों की तो अगर वो एक रखोगे तो वो यूनिसेल्युलर ग्लैंड है और गुच्छा रखोगे उन फूलों का तो वो क्या है मल्टी ग्लैंड तो टफ टफ सेल्स यहाँ देखने को मिलता है अब ग्लैंड इसके अलावा बेसिकली दो टाइप के होते हैं बेस्ड ऑन मोड ऑफ पोरिंग देयर ये जो ग्लैंड है इन्होंने कुछ ना कुछ तो बनाना ही है

याने उस ग्लैंड ने पूरा अपना सेक्रीशन ऐसे ही ब्लड में डाल दिया कोई डक्ट वक्त नहीं थी तो ये दो टाइप के रास्ते होते हैं तो एक एक रास्ता जो है दे मे भी ग्लैंड और दूसरा एंडोक्राइन ग्लैंड एक जिसने घर के बाहर ऐसे ही फेंक दिया था और एक जिसने डक्ट के थ्रू अपना हॉर्मोन फेंका था तो उस पर डिपेंड करता है कि दो टाइप के हैं पहला है

है ना म्यूकस नेजल कैविटी में सलाइवा मुंह में डाइजेस्टिव एंजाइम वहां से लेके आने वाला पैनक्रियाटिक डक्ट थी है ना बाइल डक्ट थी तो वो डक्ट के थ्रू आ रहा था इंटेस्टाइन में तो इट डाइजेस्टिव एंजाइम ईयर वैक्स जो वैक्स ईयर में प्रोड्यूस होता है बेसिकली एक बात मैं बताती हूं ये जो ईयर के अंदर वैक्स प्रोड्यूस होता है कान का मैल जिसे बोलते हैं ये हमेशा व्हाइट कलर का होता है प्योर व्हाइट कलर प्योर व्हाइट ऐसा व्हाइट दिखता है ठीक लेकिन ड्यू टू बैक्टीरियल एक्टिविटीज क्योंकि हमारी बॉडी में अंदर बाहर हर तरफ बैक्टीरियाज बैक्टीरियाज ही हैं इतने बैक्टीरियाज हैं माइक्रोस्कोप में देख लोगे तो अपने आप को पसंद ही नहीं करोगे इतने बैक्टीरियाज चिपके होते हैं तो ये बैक्टीरियल एक्टिविटी से वो वाइट वैक्स जो है वो कलर चेंज करके येलो या ब्राउन कलर का हो जाता है ठीक है तो ईयर वैक्स जो है वो भी एक डक्ट से प्रोड्यूस हुआ था डक्ट से आया था ग्लैंड से निकल के मिल्क प्रोड्यूसिंग मैमोरी ग्लैंड में जब मिल्क प्रोड्यूस होता है तो वो भी डक्ट के थ्रू आता है ऑयल जो हमारे स्किन पर जो ऑयल आ जाता है दैट इज अगेन विद द फॉर्म ऑफ एक्जोक्राइन ग्लैंड एक्सेट्रा एग्जाम्पल सलाइवरी ग्लैंड में डक्ट है ठीक है एक्जोक्राइन ग्लैंड है मैमरी एक्जोक्राइन ग्लैंड है जहां पर डक्ट के थ्रू सेक्रीशन होगा क्यूरमिनस ग्लैंड ऑफ ईयर जो वैक्स प्रोड्यूस करेगा एक्सेट्रा इन सब को हम ग्लैंड बोलते हैं क्योंकि इन सब के 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 एक एक डक्ट थ्रू थ्रू पाइप आते हैं और फिर पोर होते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड आर ऑल्सो क्लासिफाइड इन सिंपल एंड कंपाउंड अब ये एक्सोक्राइन ग्लैंड फिर से दो टाइप का होता है एक को हम बोलते हैं सिंपल और दूसरे को हम बोलते हैं कंपाउंड डिपेंडिंग अपॉन दी सेल्स ठीक एक्सोक्राइन ग्लैंड जो है विद अ सिंपल अनब्रांच डक्ट इज कॉल्ड सिंपल ग्लैंड अगर सिंपल है ब्रांच ब्रांचेस नहीं है डक्ट में एक ही डक्ट निकल रही है तो उसको बोलेंगे सिंपल ग्लैंड और एक्सोक्राइन ग्लैंड में ब्रांच सिस्टम ऑफ डक्ट है यानी कि अगर ये ग्लैंड है तो इससे बहुत सारी डक्ट अगर निकल रही है तो उसको हम बोलेंगे कंपाउंड ग्लैंड अगर एक डक्ट है तो सिंपल ग्लैंड और ग्लैंड से निकलने वाली कई सारी डक्ट्स हैं तो कंपाउंड ग्लैंड जैसे कि में होता था, अगर एक सेल्स की तो uh, अगर कई सारी हैं तो कंपाउंड ग्लैंड अब हम बात करेंगे एंडोक्राइन ग्लैंड एंडोक्राइन ग्लैंड आप जहां पर भी लिख रहे हैं ब्रैकेट में लिख लीजिएगा डेस ग्लैंड डक्ट नहीं है इस ग्लैंड में ठीक है इट पोर्स इट सेक्रीशन डायरेक्टली इन टू दी ब्लड दीज आर दी ग्लैंड विच डू नॉट हैव डक्ट डक्ट कोई duct नहीं है सो दे आर कॉल्ड एज डक ग्लैंड एंड पोर दे आर सेक्रीशन डिरेक्टली इन टू द्लड सीधे ब्लड को दे देता है और ऐसा कहाँ होता है देखो प्यूबर्टी के दौरान प्यूबर्टी की एज में पिंपल्स बहुत होते हैं नींद बहुत आती है है ना और वो ऑयल भी बहुत प्रोड्यूस होता है स्विंग भी हो जाते हैं जिद्दी हो जाते हैं बात नहीं मानते हैं तो ये सब क्यों हो रही है? उस कि हारमोन निकला और सीधे पहुंच गया अपना काम करने के लिए रिपोर्डक्टिव हॉर्गन के पास या ग्रोथ हॉर्मोन तो लेकिन ऐसा क्यों हुआ कि पूरे ब्लड में पहुंच रहा है और बेचारा वो एक्ने करा दिया पिम्पल्स करा दिए अब सोचो कितने लोग भुगत रहे उससे तो जो भी सिक्रेशन ब्लड में आएगा उस ब्लड में आने की वजह से उस पर्टिक्युलर हॉर्मोन का उस पर्टिकुलर केमिकल का असर पूरी बॉडी में दिखेगा अगर डक्ट से आया होता तो एक जगह से निकलता दूसरी जगह पहुंचता वहां अपना काम करता खा, बात खत्म हो जाती तो ये हॉर्मोन जो होते हैं ये आ, कहां से आते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड से मतलब डायरेक्टली ब्लड में पोर हो जाते हैं तो दे ग्लैंड थाइमस ग्लैंड पिट्यूटरी ग्लैंड इस बात को याद रखना इंपॉर्टेंट है कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए भी ठीक है सो दैट इज ऑल अबाउट दी एंड्राइन ग्लैंड अब हम बात करेंगे कंपाउंड एपिथिलियम की अभी तक हमने कंप्लीट कर लिया था अपना सिंपल एपीथिलियम लेट स्टार्ट

अगर ये बेसमेंट मेम्ब्रेन है बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर जो सेल्स होंगे वो सेल्स क्या करेंगे देखो एक तो ये लेयर है सेल की ठीक है एक सेल की लेयर ये है उसके बाद एक सेल की लेयर यहां पे है एक सेल की लेयर इसके ऊपर भी होगी इस तरीके से राइट तो इसकी एक खास बात ये होती है कि नीचे जो सेल्स होते हैं रादर आई मेक इट लाइक दिस I'll मेक इट लाइक दिस कि नीचे वाले सेल्स नीचे बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर के सेल्स टॉल होते हैं टॉल होने के बाद बेसमेंट पे ये इनका यहाँ पर न्यूक्लियस होता है फिर जैसे जैसे यहाँ पर सेवरल लेयर ऑफ सेल हैं तो पहले ये अभी कैसे थे टॉल थे टॉल के बाद अब ये क्यूबॉइडल होने लगेंगे क्यूबॉइडल के बाद कैसे होने लगेंगे स्क्वैमस होने लगेंगे स्क्वैमस होने के बाद फिर ये और सरफेस पर थिन हो जाएंगे और उसके बाद मेच्योर होकर के दे वेव ऑफ मतलब जर्मिनेट यहां यहां से से होते हैं यहां से नए हैं नए सेल्स आते धीरे धीरे वो मेच्योर होते हैं नए सेल्स थोड़े बड़े होते हैं साइज में जैसे ही मेच्योर होते हैं तो ये ऊपर की लेयर की तरफ मूव करते जाते हैं जैसे ही ऊपर की लेयर में मूव करेंगे और सरफेस पे आ जाएंगे तो सरफेस पे आने के बाद यहां से ही दे वेव ऑफ यहीं से चले जाते हैं ठीक है झड़ जाते हैं दे ड्राई होकर झड़ जाएंगे सेल तो ये इनका क्राइटेरिया होता है कि कैसे ये लेयर बनेगी सो इट कंसिस्ट ऑफ मोर देन वन लेयर ऑफ सेल्स आपको एक से ज्यादा लेयर्स दिख रही हैं सेल्स की दूसरा मेन फंक्शन ऑफ कंपाउंड एपिथिलियम इज टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट केमिकल एंड मैकेनिकल स्ट्रेस केमिकल स्ट्रेस में या मैकेनिकल स्ट्रेस के दौरान मेन फंक्शन होता है ठीक है कि प्रोटेक्शन क्राइटेरिया कर रही है देखो एक चीज यहाँ पर यह होती है कि मान लो अगर हमारी एपिथीलियम ऐसे ना होकर सिर्फ एक सेल की लेयर वाली एपिथीलियम होती इस तरीके से तो चांसेस ऑफ चांसेस ऑफ इंफेक्शन गेटिंग इनसाइड साइड दिस एपिथीलियम मोर इन्फेक्शन इजीली इस एक लेयर को क्रॉस कर सकता था पर इतनी सारी लेयर्स को क्रॉस करना इस एक इन्फेक्शन के लिए मुश्किल होगा तो ये स्ट्रेस में होती, तो जल्दी से चोट लग जाती पहुंचता और ज्यादा नुकसान होता है इंजरी के टाइम पे तो मैकेनिकल स्ट्रेस से भी प्रिवेंट करेगी और केमिकल स्ट्रेस से भी प्रिवेंट करेगी जलना छिलना लगना इन सब चीजों से बचा के रखेगी कंपाउंड एपिथीलियम ठीक दी कंपाउंड एपिथीलियम नाउ आपने जो एपिथेलियम थी उसको तो देख लिया अब ये एपिथेलियल के सेल्स जो होते हैं वो कैसे कनेक्टेड होते हैं तो उसके लिए मैंने आपको कुछ सेल जंक्शन बताए थे न हेयर दी सेल जंक्शंस मैंने आपसे कहा था तीन तरीके के जंक्शन होते हैं टाइट जंक्शन अडेरिंग जंक्शन एंड गैप जंक्शन इन तीन जंक्शंस के अलावा दो और कैटेगरीज होती हैं एक जो सेल्स को जोड़ के रखने का काम करती है एक कहलाती है डेस्मोसोम एक कहलाती है हेमी डेस्मोसोम सो व्हाट आई हैव टोल्ड यू इज पहला होता है टाइट जंक्शन जे लिख रही हूं जंक्शन के लिए दूसरा होता है अडहरिंग जंक्शन अडहरिंग जंक्शन एंड थर्ड वन इज गैप जंक्शन गैप जंक्शन इसके अलावा दो और चीजें होती हैं। एक होता है डेस्मोजोम्स और दूसरा होता है डेस्मोजूम्स तो ये पांच टाइप के कैरेक्टर्स होते हैं दो सेल्स को कनेक्ट करके रखने के लिए जो रिस्पॉन्सिबल हैं एक एक करके हम सबको देखेंगे सबसे पहले हम बात करते हैं टाइट जंक्शन की यहां इस इमेज में भी आपको टाइट जंक्शन दिख रहा है एक सेल ये है दूसरा सेल ये है इसको जोड़ के रखा है जिसने वो टाइट जंक्शन है और आप देख पा रहे हो कि जहां पर टाइट जंक्शन दिख रहा है वैसे तो ये सारे ही जंक्शन है ये भी एक जंक्शन है ये भी एक जंक्शन है ये भी एक जंक्शन है, है, है लेकिन इन चारों को जब आप कंपेरेटिवली देखते हो तो आप ये पाते हो कि ऊपर वाला जो जंक्शन जिसे हम टाइट जंक्शन बोल रहे हैं उस जंक्शन में सबसे ज्यादा क्लोजली सेल अटैच है तो टाइट जंक्शन उसने टाइटली पकड़ के रखा है टिश्यू तो ये जो टाइट जंक्शन है क्योंकि ये टाइट है बहुत क्लोजली रख रहा है सेल को तो टिश्यू को लीक नहीं होने देगा एक जगह से दूसरी जगह में इतना इतना टाइट है ये जंक्शन कि उसमें से कुछ भी लीकेज नहीं हो सकता सो दैट इज द टाइट जंक्शन नेक्स्ट हमारा आता है एडहेरेंस जंक्शन यहां पर आप देख रहे हो ये जो है ये ये एडहेरेंस जंक्शन है और इसके बाद यहां पर कुछ फाइबर जैसा दिख रहा है तो दे परफॉर्म द सीमेंटिंग टू कीप नेबरिंग सेल्स टुगेदर ये क्या करता है नेबरिंग सेल्स को देखो इसमें क्या है कि यहां पर जंक्शन बना हुआ है अंदर कुछ फाइबर्स जैसे दोनों सेल्स में गए हुए हैं तो ये क्या करेंगे ये दोनों सेल्स को अटका के रखेंगे टाइटली पकड़ के रखेंगे सो दैट इज जंक्शन इसके बाद आता है मैं डेस्मोजोम्स और डेस्मोजोम्स आपको बाद में बताऊंगी इसके बाद आता है गैप जंक्शन तो गैप जंक्शन फेसिलिटेट दी सेल टू कम्युनिकेट विथ ईच अदर बाय कनेक्टिंग साइटोप्लाजम ऑफ एट ज्वाइनिंग सेल्स फॉर रैपिड ट्रांसपोर्ट ऑफ आय स्मॉल मॉलिक्यूल्स एंड बिग मॉलिक्यूल्स ट्रांसपोर्ट का जितना भी काम होगा वो सिर्फ और सिर्फ गैप जंक्शन से होगा अभी तक एड में हमने सिर्फ सेल्स को पकड़ के रखने वाला फंक्शन देखा गैप सॉरी टाइट जंक्शन में हमने देखा कि uh, क्या होगा टाइटली लीकेज uh, नहीं होगा इतना टाइट जंक्शन है कि कुछ लीकेज नहीं होगा टिश्यू का लेकिन जो गैप जंक्शन है क्योंकि उसमें गैप है तो वहां एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स हो सकते हैं बड़े आयंस छोटे आयंस या कोई और मोलिक्यूल्स ईजिली uh, जो है वो ट्रांसपोर्ट हो सकते हैं ट्रांसफर हो सकते हैं सॉरी एक सेल एक से दूसरे सेल्स के बीच में इतना समझ में आ गया नाउ एंड अबाउटो तो हेमीडेस्मो आपको कहां दिख रहे हैं? ये जो पर्पल वाली लेयर दिख रही है ना ये वाली लेयर दिस इज मेम्ब्रेन ये बेसमेंट है। बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर सेल्स रहते हैं ये तो सबको मालूम है और मैंने हमेशा आपको बताया जब भी मैं ड्रॉ करती हूँ तो मैं एपिथिलियम ऐसे एक बेसमेंट मेम्ब्रेन बनाती हूँ और उसके ऊपर सेल्स बनाती हूँ चाहे कॉलम हो चाहे क्यूबॉइडल हो चाहे स्क्वेमस हो मैम ने हमेशा सेल्स तो ऐसे ही बनाए थे तो बेसमेंट मेम्ब्रेन तो थी तो बेसमेंट मेम्ब्रेन तो से चिपका के किसने रखा बेसमेंट मेम्ब्रेन से अटैच करके रखने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं हेमी डेस्मोजोम दीज आर दी हेमी और दो सेल्स के बीच में जो डेस्मोजोम्स हैं जो क्या करेंगे स्ट्रेच से बचाएंगे देखो स्ट्रेच से कैसे सपोज कोई इन्फेक्शन हो गया ठीक अब जब इन्फेक्शन हुआ तो एक बम्प उठाया है ना बम्प उठा तो एपिथेलियम आपको नहीं लगता ये बेचारी ऐसी एपिथेलियम थी सीधी सीधी अब इसको स्ट्रेच होना पड़ा तो यहां पर जो सेल्स प्रेजेंट होंगे इसके बम्प पे वो क्या करेंगे वो जहां पर उठा हुआ है बंप है वहां पर सेल्स जो है वो खिंचेंगे तो सेल्स जब खिंचते हैं एक दूसरे से दूर जब एपिथेलियम में स्ट्रेच पड़ता है एपिथेलियम खिंचती है उस दौरान सेल्स एक दूसरे से

कनेक्टिव टिश्यू तो कनेक्टिव टिशू जैसे ही हम पढ़ते हैं है ना तो कनेक्टिंग का नाम ही क्या कनेक्टिंग जो लिकवर्ड है इसका मतलब क्या होता है कुछ जोड़ बना के रखना है ना कुछ मतलब कोई एक लिंक कर रखी है कनेक्टिव टिश्यू ने पूरी बॉडी में चाहे वो ब्रेन हो चाहे वो हमारी स्पाइनल कॉर्ड हो चाहे वो हमारी नीज हो टो हो पैर की उंगलियां हो सर के बाल हो सब जगह कनेक्शन बना हुए है कनेक्टिव टिश्यू का ठीक तो क्या होते हैं? देम uh, मैंने जो अभी आपको बात बोली कि इसने हमारी बॉडी में हर जगह लिंक बना के रखी है द कनेक्टिव टिश्यू इज द ओनली टिश्यू रिस्पांसिबल फॉर एवरीथिंग जो बैलेंस मेंटेन कर रहा है ऐसा क्यों होता है कि पैर का टेंपरेचर कम और सिर का ज्यादा ऐसा क्यों नहीं होता मतलब सिर का टेम्परेचर कम पैर का टेम्परेचर ज्यादा टेम्परेचर पूरी बॉडी का एक जैसा है दर्द की दवाई अगर सिर दर्द के लिए खाई है तो स्टमक से सिर दर्द में भी जाएगी वही दर्द की दवाई अगर आप पैर के दर्द के लिए खाओगे तो वो पैर में भी असर करेगी तो हर जगह कैसे लिंक बनी हुई है कनेक्टिव टिश्यू की वजह से ठीक दे आर मोस्ट अबंडली डिस्ट्रीब्यूटेड टिशू इन एनिमल बॉडी सबसे ज्यादा अमाउंट में मोस्ट अबंडली प्रेजेंट जो टिश्यू है दैट इज दिश्यू जो एनिमल बॉडी के अंदर डिस्ट्रीब्यूटेड है हर जगह फिंगर में भी है स्किन में भी है स्टमक में भी जा रहा है कनेक्शन बना के किडनी में भी जा रहा है कनेक्शन बना के लिवर में भी जाएगा लंग्स में भी जाएगा एवरीवेयर ज दिशू नेक्स्ट मेजर कॉम्पोनेट्स इन दी कनेक्टिव टिश्यू आर मेजर कॉम्पोने क्या होते हैं एक तो सेल होगा ही होगा है ना बिना सेल के तो टिश्यू बन ही नहीं सकता सेल है फाइबर्स हो सकते हैं उनको जोड़ के रखने वाले और एक मैट्रिक्स हो सकता है फॉर एग्जांपल अगर मैं ब्लड ले लूं एग्जांपल के लिए अगर मैं ब्लड ले लूं तो आपको भी मालूम है कि ब्लड का जो मैट्रिक्स होता है है ना जो घर है ब्लड के सेल्स का वो कौन है वो है प्लाज्मा तो वहां मैट्रिक्स भी प्रेजेंट है उसके बाद सेल्स भी तो प्रेजेंट है कौन-कौन से सेल्स थे आरबीसी था डब्ल्यूबीसी था प्लेटलेट था सो so, हर एक टिश्यू में जैसे ब्लड इज अ कनेक्टिव टिश्यू तो उसमें ये सारी चीजें प्रेजेंट ही हैं रह नहीं है ठीक तो दैट इज ऑल अबाउट दी कैरेक्टर्स ऑफ

कितनी सारी स्पेस है आपकी बॉडी में तो इतनी स्पेस में अगर आप जोड़ जोड़ के सेल रखते तो कब तक रखते रहते इसलिए क्या किया एक मैट्रिक्स बना दिया पूरी बॉडी में फैला दिया और उसके अंदर सेल्स तैर रहे हैं उसके अंदर सेल्स जो हैं वो स्विम कर रहे हैं सो द सेल्स आर नॉट क्लोजली अरेन्ज्ड दे हैव अ इंट्रा स्पेस प्रेजेंट बिटवीन देम दूर दूर सेल्स होते हैं लेकिन बेस बनाया हुआ है मैट्रिक्स का मैट्रिक्स जो जो प्लाज्मा है ब्लड का वो तो हर जगह फैला हुआ है उसके अंदर चल चल के सेल्स अपना काम कर रहे हैं वरना इतने सारे सेल्स क्लोजली अरेंज कर देते तो बहुत सारी दिक्कत आ जाती है उसका अटैचमेंट देखो उसका स्ट्रेस um, के टाइम पर मतलब अगर चोट लगी है इंजरी है उस टाइम पर उसका मैनेजमेंट देखो अब दूर दूर है तो वो मैनेज हो जाता है ठीक है नेक्स्ट कोलाजन एंड इलास्टिन फाइबर्स प्रोवाइड टेंसाइल स्ट्रेंथ इलास्टिसिटी फ्लेक्सिबिलिटी टू टिश्यू ब्लड से निकल के थोड़ा बाहर आओ कार्टिलेज में आओ बोन में आओ तो फाइबर और इलास्टिन फाइबर्स फाइबर्स ये fibers क्या करते हैं टेंसाइल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं मतलब आप टीचर ने अगर क्लास में हाथ मोड़ दिया था तो क्या हाथ टूट गया था नहीं टूटा ना कान मम्मी ने दस बार मोड़ा होगा टूट गया क्या नहीं टूटा ना तो ये स्ट्रेंथ कहाँ से आई इकोलाजन और इलास्टिन फाइबर्स से आई अगर ये स्ट्रेंथ नहीं होती तो तुम्हें तो अभी तक गायब हो जाना था इतनी बार मार, मार पिटाई पड़ी होगी कि टेंसाइल स्ट्रेंथ बचती नहीं इलास्टिसिटी होती नहीं फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती खराब हो जाता सब मैट्रिक्स क्या है फिर इट इज कंपोज ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन सेक्रेटेड बाय टिश्यू सेल्स मैट्रिक्स और कुछ नहीं है टिश्यू एक 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 जो टिश्यू है मतलब जो सेल्स हैं उन सेल्स ने ही कुछ सेक्रेट कर दिया सब सेल ने अपना अपना योगदान दे दिया थोड़ा-थोड़ा और वो मैट्रिक्स तैयार हो गया जिसके अंदर सारे सेल्स रहेंगे दैट इज ऑल अबाउट द कैरेक्टर्सटिक्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू अब हम बात करेंगे कि क्या क्लासिफिकेशन होता है कनेक्टिव टिश्यू का तो कनेक्टिव टिश्यू इज क्लासिफाइड एज़ एक है लूज कनेक्टिव टिश्यू एक है डेंस कनेक्टिव टिश्यू एक है स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू किसी भी क्लास में तीन तरीके के बच्चे होते हैं ये तो वही तीनों बच्चे हैं एक बच्चा होता है मार लो पीट लो रोज प्रिंसिपल के रूम के बाहर खड़ा हो रहा है उसने नहीं पढ़ना है तो नहीं ही पढ़ना है उसने कहा स्कूल में तो मैं पढ़ूंगा ही नहीं मैं पढ़ूंगा सिर्फ मैग्नेट ब्रेन से तो एक वो बच्चा है कितना भी मेहनत कर लो नहीं पढ़ रहा वो लूज ढीला बच्चा है लूज कनेक्टिव टिश्यू थीक? एक है जो डेंस है जैसे ही टीचर ने बोला प्रिंसिपल ऑफिस में जाना पड़ेगा कल होमवर्क है उसको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती वो स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू क्लास के तीन बच्चे एक जो बिल्कुल नहीं सुन रहा ढीला है एकदम लूज कनेक्टिव टिश्यू एक जो फिर भी सुन लेता है एक बार ही जाता है कि नहीं यार ही लूंगा ही लूंगा यहां से पढ़ लूंगा वहां से पढ़ लूंगा और पढ़ लूंगा तो वो है डेंस कनेक्टिव टिश्यू एक जिसको बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ती स्पेशलाइज है वो वो स्पेशल है पढ़ ही लेगा वो अच्छे मार्क्स लाना ही है मेरा सिलेक्शन होना ही है दैट इज दाइज कनेक्टिव टिश्यू लूज कनेक्टिव डेंस कनेक्टिव कनेक्टिव लूज कनेक्टिव टिश्यू फिर दो टाइप का होता है क्योंकि वो लूज है ना दूर दूर होगा कुछ उसमें लूज है तो वो एरियोलर है जहां पर एयर प्रेजेंट है या फिर एडिपोज है जहां पर फैट प्रेजेंट है लेकिन लूज कनेक्टिव टिश्यू डेंस कनेक्टिव टिश्यू दो टाइप का डेंस रेगुलर एंड डेंस इरेग्युलर एक रेगुलर अरेंजमेंट, एक इरेग्युलर अरेंजमेंट। तो डेंस रेगुलर टिश्यू जिस बच्चे को डराना पड़ता हो उसके दो क्राइटेरिया एक तो है कि भाई वो रेगुलरली आके अपना काम कर लेता है एक है कि रेगुलर आता है इसलिए डराया था कि प्रिंसिपल के पास ले जाएंगे तब उसने अपना काम किया तो ये जो डेंस कनेक्टिव टिश्यू है वो रेगुलर है इरेग्यूलर है डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू में टेंडन और लिगमेंट्स आते हैं टेंडन और लिगामेंट्स ऐसे स्ट्रक्चर बॉडी के जो काफी स्ट्रॉन्ग हैं इन स्पाइट ऑफ दैट अगर इन स्ट्रक्चर्स में कोई इंजरी हो जाती है तो हील करने में ज्यादा टाइम लगता है आई टेल यू वाई ठीक है ये मैं जब इनको डिस्कस करूंगी तो डीप में बताऊंगी अभी ये क्वेश्चन दिमाग में रख लेना नेक्स्ट लेनाइज कनेक्टिव टिश्यू में आता है bone, है बोन बोन कार्टिलेज एंड ब्लड ये स्पेशल कैरेक्टर्स हैं बहुत जरूरी वरना स्केलेटन नहीं बनता बॉडी का कार्टिलेज बहुत जरूरी है, है. इतनी बार ये जो मूव करा मम्मी ने जो कान मरोड़े हैं कार्टिलेज बहुत जरूरी है अगर ये पिना नहीं होता तो साउंड वेव्स अंदर ही नहीं जाती

सबसे पहले हम बात करेंगे कनेक्टिव कनेक्टिव टिश्यू नाम से समझ में आ गया मतलब सेल्स जो है वो लूजली अरेंज्ड है आराम से रहते हैं किसी की चिंता फिक्र इनको नहीं है एरियोलर हो सकता है एडिपोज हो सकता है एग्जाम्पल ऑफ लूज कनेक्टिव टिश्यू ठीक तो ऐसा सेल जो दूर दूर आराम से पड़ा हुआ है उसने बनाया लूज कनेक्टिव टिश्यू ठीक है अब हम बात करेंगे कि एरियोलर और एडिपोस कनेक्टिव टिश्यू में क्या क्या चीजें होती हैं ठीक है ठीके? तो जैसे ही हम एरियोलर का डायग्राम देखते हैं यहां पर देखो एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू एक ऐसा टिश्यू है जो कहां प्रेजेंट है स्किन के नीचे प्रेजेंट है ठीक है इट इज प्रेजेंट बीनीथ दी स्किन कहां पर जहां पर सारे ऑर्गन और ब्लड वेसल्स रहते हैं वहां पर उनके बीच में ये मैट्रिक्स बनाया रहता है सो द फर्स्ट पॉइंट इज इट इज प्रेजेंट प्रेजेंट बीनीथ स्किन इट इज प्रेजेंट बीनीथ द स्किन एंड सेल्स आर लूजली अरेन्ज्ड सेल्स आर लूजली अरेन्ज्ड In matrix loosely arranged in.

अपने खाने में अलग अलग चीजें जब खाते हैं जैसे कि हमने पल्स ली यानी कि दाल खाई तो प्रोटीन आया हमने कार्बोहाइड्रेट लिया तो रोटी जो खाई उसमें कार्बोहाइड्रेट है कार्बोहाइड्रेट से एनर्जी आई उस पर घी लगा कर खाया था तो वो क्या है फैट है तो ये जो जितने भी न्यूट्रिएंट्स हम अपने खाने में खा रहे हैं वो पूरे न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी में यूज हो जाते हैं लेकिन इसके बाद भी जो एक्स्ट्रा न्यूट्रियट्स बचते हैं जो यूज नहीं हो पाते वो कन्वर्ट हो जाते हैं इन फैट और फिर वही फैट हमारे बॉडी के स्किन के नीचे वाले सेल्स में स्टोर होता जाता है जिनको हम बोलते हैं एडिपोसाइट्स तो एडिपोस टिश्यू के सेल्स कहलाते हैं एडिपोसाइट्स और ये क्या स्टोर करके रखते हैं फैट स्टोर करके रखते हैं और इनका शेप भी देखो इसीलिए ऐसा होता है ये एक बहुत बड़ा सा सेल है और इस सेल में यहां पर न्यूक्लियस है कितना पतला सा पेरीफेरी की तरफ कोने की तरफ न्यूक्लियस है ऐसा क्यों है क्योंकि ये पूरा एरिया ऑक्यूपाइड है फैट स्टोरेज से सो दिस इज दैट स्टोरेज एरिया थिन सी मेम्ब्रेन होगी पतली मेम्ब्रेन होगी पतला सा एक न्यूक्लियस पेरीफेरी कोने की तरफ शिफ्ट हुआ दिखेगा और पूरे सेल में बहुत सारा फैट भरा होगा जब मैंने शेप ऑफ दी सेल बताया था वहां भी यह बात बताई थी ठीक है सो अगेन अगेन वॉट विल यू राइट इन दिस दिस इज ऑल्सो प्रेजेंट दिस इज ऑल्सो प्रेजेंट बीनी बीनीथ स्किन स्टोर फैट इट स्टोर फैट और ये फैट कहां से बना ये फैट बना फ्रॉम एक्स्ट्रा न्यूट्रिशन मैंने एक्स्ट्रा न्यूट्रिशन क्यों लिखा है क्योंकि जितने न्यूट्रिशन की जरूरत आपके बॉडी को थी उतना तो आपने यूटिलाइज कर लिया बच्चे न्यूट्रिशन का डिपोजिशन हो जाएगा वो न्यूट्रिशन कन्वर्ट हो जाएगा फैट में दैट इट दैट इज ऑल अबाउट दीज टाइप्स ऑफ टिश्यू वो आपने नोट्स लिख लिए होंगे अगर नहीं लिखे हैं तो एक बार इसको लिख लो क्लियर डन ओके नाउ लेट्स मूव अहेड अब हम बात करेंगे डेंस कनेक्टिव टिश्यू की डेंस कनेक्टिव टिश्यू में मैंने आपको बोला था नाम है डेंस तो ये एक ऐसा कनेक्टिव टिश्यू है जहां पर सेल्स जो हैं वो क्लोजली कॉम्पैक्टली अरेंज्ड है ठीक इसीलिए इसे डेंस कनेक्टिव टिश्यू बोला जाता है डिपेंडिंग अपॉन दी कैरेक्टरिस्टिक अब ये डेंस कनेक्टिव टिश्यू भी दो टाइप का हमने पढ़ा था एक पढ़ा था रेगुलर दूसरा पढ़ा था इरेग्यूलर तो रेगुलर डेंस कनेक्टिव टिश्यू क्या होता है जहां पर सेल्स एक पैटर्न में रेगुलरली अरेज हो और जहां आड़े टेड़े इरेग्युलरली अरेज है वो रेगुलर डेंस कनेक्टिव टिश्यू इतना तो ईजी है कोई दिक्कत नहीं है सेल्स एंड फाइबर्स आर कॉम्पैक्टली पैक्ड एच टू एच कॉम्पैक्टली पैक्ड है थूस थूस के भर दिया है सेल्स को। ओरिएंटेशन द टिश्यू के fibers, इस टिशु के फाइब्रोब्लास्ट यानी कि सेल्स कैसे अरेंज हो इेगुलर मैनर में आड़े टेढे इधर उधर पड़े हुए तो उसको हम बोलेंगे इरेग्यूलर कनेक्टिव टिश्यू इट इज फाउंड इन स्किन ऐसा स्किन में देखा जाता है ठीक है कैसे स्किन में देखा जाता है मैंने बोला था हमारी स्किन में पांच लेयर्स होती 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 हैं 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 पांच स्ट्रैटम्स अलग 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 साइज की अलग शेप की होती हैं है। नीचे से से बेसमेंट जर्मिनेटिवम जर्मिनेट हो रहा है नया सेल्स ऊपर ग्रो हो रहे हैं जैसे ही ग्रो होते हैं ऊपर वाली लेयर लेर होती है मेच्योर सेल की लेयर गिर जाती है स्ट्रैटम जर्मिनेटिवम जर्म जो है वो germ, जर्म जर्मिनेट करा रही है नए सेल्स ठीक है और ऊपर वाली स्ट्रैटम कॉर्नियम जो है वो क्या कर रही है जो ड्राई सेल्स डेड सेल्स हो गए उनको वेव ऑफ कर देगी वो झड़ जाएंगे वो सेल्स होने के बाद ठीक है तो ये अलग अलग टाइप के सेल्स किसमें देखे जाते हैं हमारे रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू इफ दी फाइबर शो रेगुलर ओरिएंटेशन पैटर्न एक रेगुलर पैटर्न में अगर अरेंज हैं तो इट इज कॉल्ड एज डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू दैट टेंडन एंड व्हाट इज टेंडन व्हाट इज लिगामेंट लिगामेंट जो होता है लिगामेंट जो होता है वो कनेक्शन बना के रखता है बोन से बोन का बोन टू बोन कनेक्शन लेकिन टेंडन जो होता है टेंडन जो होता है वो आ, क्या करता है मसल से मसल का बोन से अटैचमेंट करके रखता है बोन से बोन को जोड़ने वाला स्ट्रक्चर लिगामेंट मसल से बोन को जोड़ने वाला स्ट्रक्चर टेंडन अगर बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिनको याद करने में प्रॉब्लम होगी ये बात अगर आपको प्रॉब्लम है आप सिर्फ एक याद रख लो दूसरा वाला अपने आप ही याद रहेगा सिर्फ लिगामेंट याद कर लो कि बोन टू बोन जोड़ता है टेंडन अपने आप याद रहेगाक्टिव तो टिश्यू है, है so यहां पर आपको डायग्राम दिख रहा है दिस इज दी रेगुलर डेंस कनेक्टिव टिश्यू देखो कितने अच्छे से कितने अच्छे से फाइब्रोब्लास्ट और न्यूक्लियाई दिख रहे हैं और कोलाजन फाइबर्स दिख रहे हैं यू कैन सी कोलाजन फाइबर

क्या चीज और हां जो रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू मैंने आपको बताया उसमें मैंने आपको बताया एक होता है टेंडन दूसरा होता है लिगामेंट याद करने वाली बात क्या है लिगामेंट मेक्स अ कनेक्शन बिटवीन बोन एंड बोन बोन एंड बोन का कनेक्शन बना के रखता है और टेंडन जो है वो मसल और बोन को जोड़कर रखता है ये बात ऐसे के ऐसे लिख लेना याद रखनी है ठीक ओके okay.

हो रही है वो किसके थ्रू हो रही है हमारे स्केलेटल स्ट्रक्चर के थ्रू जो कि क्या है बोन

तो बोन जो है उसका मैट्रिक्स हार्ड होता है और नॉन फ्लेक्सिबल होता है आप बोन को पार्शियली मोड़ सकते हो कि अगर ये दो बोन्स हैं तो ये काम तो कर रही हैं लेकिन पूरी तर, पूरी तरह मोड़ नहीं सकते पूरी तरह फ्लेक्सिबल नहीं होती हां कार्टिलेज जरूर फ्लेक्सिबल होता है कितना भी आप हिलाओ तोड़ो मोड़ो कुछ नहीं होगा

ठीक है तो ये कैल्शियम सॉल्ट्स और, और कोलेजन फाइबर्स की हमारी बोन बनी होती है इट अकर्स इन कंसेंट्रिक लेयर्स कॉल्ड लैमिले अराउंड हेवरशियन कैनाल विच कैरीज ब्लड वेसल एंड नर्व्स बीच में कैनाल होती है जहां पर ब्लड वेसल्स और नर्व कनेक्टेड रहती हैं और उसके बाद कंसेंट्रिक रिंग्स यानी कि सर्कल्स में इस तरीके से हमारे लैमिले में हेवरशियन कैनाल के अराउंड सेल्स अरेंज रहते हैं लैमिले

तो यू विल फाइंड कि बीच-बीच में कुछ स्पेसेस दिखती हैं वो स्पेसेस क्या है ये कौ... कुछ स्पेस नहीं है कॉन्ट्रो कंसेंट्रिक के जो रिंग्स हैं उसका पैटर्न दिख रहा है ठीक है जब आप बोन को बीच में से कट करोगे तोड़ के अगर दो बोन के हिस्से देखोगे अगर ये लॉन्ग बोन है मैं इसको बीच में से तोड़ा और यहां से अगर मैंने देखा तो मुझे थोड़ा-थोड़ा ऐसे जाल जैसा दिखता है अगर ये बोन का पीस है तो मुझे इसमें ऐसे ऐसे थोड़ा-थोड़ा स्पेस बीच-बीच में दिखता है ऐसा क्यों है वो कंसेंट्रिक रिंग्स की वजह से ठीक है तो लैकुने यानी खाली स्पेसेस में पूरे के पूरे बोन के सेल्स जो हैं वो आके पैक हो गए बोन्स परफॉर्म मेनी इंपॉर्टेंट फंक्शन बोन्स बहुत सारे फंक्शन परफॉर्म कर रही है सपोजिंगली हम कह सकते हैं कि मूवमेंट करा रही है मूवमेंट करा रही है ठीक है स्केलेटन स्ट्रक्चर बना रही है तो अगर स्केलेटल स्ट्रक्चर बना रही है तो मतलब ये क्या प्रोवाइड कर रही है स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रही है ठीक है स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रही है वेट लिफ्टिंग का, का काम करा रही है वेट बियरिंग एक्शन करा रही है वेट बियरिंग एक्शन मतलब क्या होता है हमारे लिम्स से हम कितना भी हाथों से कितना भी हम हैवी वेट उठा सकते हैं तो वेट वेट भी तो किस पे जा रहा है बोन के ऊपर ही जा रहा है ठीक है इसके अलावा और क्या कर रही है ब्लड सेल्स बनवाएगी ब्लड सेल्स बनवाएगी बोन कैसे मैडम ब्लड सेल्स बनवाएगी बोन्स में ही तो बोन मैरो होता है भूल गए बोन मैरो बोन मैरो वो जगह है जहां पर हमारे ब्लड सेल्स बनते हैं तो ये सारे पर्टिकुलर फंक्शंस है हमारी बोन के इसको लिख लीजिएगा अब डायग्राम की अगर हम बात करें कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स दिख रहे

इसके अलावा हमें बोन के बारे में और कुछ डिस्कस नहीं करना है नेक्स्ट हम बात करेंगे कार्टिलेज के बारे में तो कार्टिलेज जो होता है वो ऑब्वियसली यू ऑल्सो नो कार्टिलेज जो है वो कैसा स्ट्रक्चर है फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर है है ना फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर है नोज पे कार्टिलेज यहां पर कार्टिलेज आर दीजा फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर्स मैट्रिक्स ऑफ कार्टिलेज इज सेमी रिजिड पेलिएबल रेजिस्टेंट कंप्रेशन अब पेलिएबल लिखा है ना तो पेलिएबल का मतलब क्या होता है जो फ्लेक्सिबिलिटी शो करे नॉन पेलिएबल बोन थी जो फ्लेक्सिबल नहीं थी तो फ्लेक्सिबल होता है सेमी रिजिड होता है रिज़िड है, ऐसा नहीं कि फ्लोई है रिजिड है लेकिन कैसा है पेलिएबल, नॉन नॉन फ्लेक्सिबल, रेजिस्टेंट कंप्रेशन, आप इसे कितना भी मोड़ लेते हो तो ये रेजिस्ट कर जाता है कंप्रेशन को ठीक उसके बाद कार्टिलेज के जो सेल्स होते हैं उनको बोलते हैं, जो कार्टिलेज, कार्टिलेज तो कॉन्ड्रोसाइड जो होते हैं वो कार्टिलेज के सेल्स होते हैं लॉजड इन कैविटीज और स्पेसिस इन मैट्रिक्स मैट्रिक्स में ये कॉन्ड्रोसाइट अरेन्ज होते हैं ठीक है अब देखो ये एक मैट्रिक्स था मैट्रिक्स के बीच में ये दो सेल्स दिख रहे हैं तो मैट्रिक्स तो लैक्यूना कहलाएगा लैक्यूना का मतलब ही होता है एम्प्टी स्पेस लैक्यूना तो कहलाएगा ये इसके अंदर जो सेल्स रखे हैं वो क्या कहलाएंगे कॉन्ड्रोसाइट देखो लैक्यूना है ये लैक्यूने के अंदर जो सेल्स रखे हैं इन सेल्स को बोला गया कॉन्ड्रोसाइट्स और बाकी ये पूरा मैट्रिक्स है ये पूरा मैट्रिक्स है आउटर लेयर पेरिकॉन्ड्रियम कहलाती है जो लाइनिंग है वो पेरीकॉन्ड्रियम कहलाती है इन दी कार्टिलेज क्लियर तो कार्टिलेज जो है वो बियर कर लेता है कितनी भी चीजें प्रेशर बियर कर लेता है नेक्स्ट हम बात करेंगे ब्लड के बारे में तो ब्लड एक फ्लूड कनेक्टिव टिश्यू है जिसके एन नंबर ऑफ फंक्शन है हॉर्मोन का सेक्रेशन करा रहा है हॉर्मोन ट्रांसपोर्ट करा रहा है गैसेस का एक्सचेंज करा रहा है न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रहा है सारे सेल्स को वेस्ट प्रोडक्ट

90% परसेंट 80 एट्टी टू 90 परसेंट वाटर होता है प्लाज्मा में ठीक है जो फ्लूड बनाता है ब्लड को ठीक और उसके अलावा बाकी सारे टेन परसेंट ट्वेंटी परसेंट क्या होते हैं ऑर्गेनिक और, और इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स होते हैं तो प्लाज्मा बेसिक एक घर है जहां पर पूरे ब्लड के सेल्स यानी कि डब्ल्यू बी सी आरबीसी और आ, प्लेटलेट्स रहेंगे तो देर आर थ्री टाइप्स ऑफ सेल्स प्रेजेंट इन दी ब्लड आरबीसी जिसको इरेथ्रोसाइट बोलते हैं अब क्वेश्चन आएगा तो इरेथ्रोसाइट्स के नाम से आएगा इरेथ्रोसाइट इज दरबीसी डब्ल्यू बी सी आर दी ल्यूकोसाइट्स एंड प्लेटलेट्स आर दी थ्रोम्बोसाइट्स ये तीन नाम याद रखने

उसके अलावा न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा पूरी बॉडी में न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा वेस्ट को लेकर आएगा वेस्ट रिमूवल करेगा ठीक इम्यूनिटी प्रोवाइड करेंगे डब्ल्यूबीसी के सेल्स तो इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है और ब्लड क्लॉट कराता है ब्लड क्लॉटिंग कराते हैं प्लेटलेट्स तो ब्लड क्लॉटिंग में काम करता है और क्या बचा और क्या बचा हाँ, ट्रांसपोर्ट कराता है ट्रांसपोर्ट ऑफ किसको ट्रांसपोर्ट कराएगा बॉडी में हार्मोन निकला था ब्लड में आके पोर हुआ था वो ग्लैंड ने पोर सीधे ब्लड में कर दिया था तो वो भी तो करा रहा है तो ट्रांसपोर्ट ऑफ हार्मोन एंड मेडिसिन खाई तो मेडिसिन एंटी बैक्टीरियल खाई या फिर पेन किलर खाई अनाल खाई तो वो क्या काम करेगी वो तो बॉडी के हर पोर्शन में पहुंचेगी और जब वो बॉडी के हर पोर्शन में पहुंच रही है तो कौन पहुंचा रहा है ब्लड तो ट्रांसपोर्ट ऑफ हॉर्मोन एंड अदर सब्सटेंसेस ठीक है तो ये सारे फंक्शंस किसके हुए ब्लड के दैट्स इट दैट इज ऑल अबाउट ब्लड ये फंक्शन नोट कर लेना कभी कहीं जरूरत पड़ जाए किसी फॉर्म में पूछ लिया जाए किसी एमसीक्यू में कहीं पर भी तो ये पता होना चाहिए यहां पर हमने कंप्लीट कर लिया अपना फ्लूड कनेक्टिव टिश्यू अब हम बात करेंगे मस्कुलर टिश्यू की लेट स्टार्ट विद मस्कुलर टिश्यू तो मस्कुलर टिश्यू जो होता है उसके कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे होते हैं मस्कुलर टिश्यू मतलब हम बात कर रहे हैं मसल की तो इसमें बहुत सारे मसल फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं आपने देखा होगा जितने भी लोग जिम जाते हैं वो अक्सर प्रोटीन बहुत खाते हैं क्यों खाते हैं प्रोटीन क्योंकि हमारी जो मसल होती है आप इसको इस पिक्चर को ध्यान से देखोगे तो आपको इसमें कुछ रेशे 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 जैसे कुछ कुछ लंबे लंबे यूनिट्स दिख रहे हैं वो क्या है वो मसल फाइबर्स हैं ठीक है हमारी जो मसल होती है वो कुछ ऐसी होती है कि अगर मसल के सेक्शन को आप देखोगे तो इसमें बहुत सारे मसल फाइबर्स होते हैं इस तरीके से ठीक है एक मसल फाइबर दूसरा तीसरा फोर्थ तो ये बहुत सारे मसल फाइबर से हमारी मसल बनती है जो लोग जिम जाते हैं वो प्रोटीन जब खाते हैं तो क्या होता है मसल नहीं बढ़ती है उनकी उनके मसल फाइबर्स बढ़ते हैं

ठीक ईच फाइबर इज मेड अप ऑफ न्यूमरस फाइन मायो और हर एक फाइब्रिल में पतला पतला माओफाइब्रिल है जो वो जो अपन ने देखे ना माओफाइब्रिल आई बैंड एच बैंड ये जो है ये छोटे छोटे फाइबर्स हैं ठीक और शो नंबर ऑफ़ यूनिट माओफाइबर और मैंने आपको बोला था कि सार्कोमेयर वो जगह होती है जहां पर कई सारे मसल के फाइबर्स की ओवरलैपिंग देखने को मिलती है तो जिस जगह मसल के फाइबर्स की ओवरलैपिंग देखने को मिलती है वहीं से मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होती हैं और रिलैक्स होती हैं इसीलिए उसको कॉन्ट्रैक्टिंग यूनिट बोला जाता है किसको सार्कोमेयर को मेम्ब्रेन ऑफ मसल सेल इज नोन है सार्कोलेमा जो मसल के सेल्स होते हैं उनकी मेम्ब्रेन को सार्कोलेमा बोलते हैं और साइटोप्लाज्म को सार्कोप्लाज्म बोलते हैं सार्को सार्क इज फॉर मसल ओनली ठीक तो हमने क्या क्या पढ़ा सार्कोमियर पढ़ा सार्कोमियर कॉन्ट्रैक्टिंग यूनिट है सार्कोलेमा पढ़ा और सार्को पढ़ा सार्कोलेमा आउटर है और सार्को क्या है साइटोप्लाज्म ऑफ मसल सेल अब ये जो मसल सेल्स हैं ये तीन टाइप की होती हैं कौन कौन सी होती है एक तो कार्डियक मसल्स यानी कि हार्ट की मसल्स होती हैं एक हमारी होती हैं स्मूथ मसल्स और एक होती हैं हमारी स्ट्राइटेड मसल्स ठीक तो देर आर थ्री टाइप्स ऑफ मसल्स अगर हम स्ट्राइटेड मसल की सबसे पहले बात तो स्ट्राइटेडेड मसल जो होती है वो कैसी होती है वॉलंटरी होती है और उसमें स्ट्राइेशंस देखने को मिलते हैं कैसे होते हैं वॉलंटरी और स्ट्राइेशंस देखने को मिलते हैं कि ये देखो ये स्ट्राइेशन कैसे दिखेगा अगर ये उस मसल का सेल है तो इसमें ऐसे 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 स्ट्राइेशंस दिखते हैं ठीक तो हम इसको स्ट्राइटेडेड और वॉलंटरी बोलते हैं नेक्स्ट है स्मूथ मसल सेल स्मूथ मसल सेल्स इनवॉलंटरी भी है और नॉन स्ट्राइटेडेड भी है इसमें देखो कोई स्ट्राइेशंस दिख रहे हैं ये एक ऐसा सेल है इसमें कोई स्ट्राइेशंस दिख रहे हैं ऐसा नहीं दिख रहा है ना स्ट्रिएशंस तो फिर ये नॉन स्ट्रिएटेड होती है दूसरा कार्डियक मसल सेल्स कार्डियक मसल्स हमारी बहुत हार्ड वर्किंग मसल्स होती हैं अगर कुछ बनना है लाइफ में तो कार्डियक मसल की सेल्स जैसा बनो वो इतना काम करती हैं जन्म से लेके इंसान के मरने तक सोने से लेके उठने से लेके बैठने से लेके तबीयत खराब हो कोमा में चला जाए तो भी वो मसल काम कर रही है हार्ट ब्लड पंप कर ही रहा है

ये कनेक्शन देख पा रहे हो ये कनेक्शन क्यों बना होता है क्योंकि मसल्स जो होती हैं हार्ट की वो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स कर रही हैं तभी तो ब्लड पंप हो रहा है ये तो मालूम है लेकिन ये कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करवा कौन रहा है आप में से बहुत सारे लोगों को पता होगा जिन्होंने मेरे वीडियोस देखे होंगे के नो कि एस ए नोट और एवी नोड की वजह से साइनो एट्रियल नोट एट्रियोट्रिकुलर नोट विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग दी इम्पल्स इन दी हार्ट विच कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन सो दैट दी हार्ट पंप्स दी ब्लड वहां पर ऐसे नोड और एवी नोड हैं जो जो क्या कर रहे हैं इंपल्स जनरेट कर रहे हैं वो इंपल्स पूरे मसल्स में जा रहा है हार्ट के और क्योंकि ये कनेक्शन बना हुआ है तो एक मसल एक मसल सेल से दूसरा तीसरा चौथा ऐसे पूरा नेटवर्क में वो इंपल्स जनरेट होके पहुंच जाती है और फिर वो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन कराती है जिससे कि हमारा हार्ट ब्लड पंप कर पाता है दैट इज ऑल अबाउट दीस थ्री मसल्स

और सेल्स को कॉन्ट्रैक्ट करा देते हैं एज अ सिंगल यूनिट पूरा जो हार्ट की मसल्स है वो एक साथ कॉन्ट्रैक्ट होंगी एक साथ रिलैक्स होंगी ऑल दी सेल्स ऑफ हार्ट वॉल्स आर दार्ट साइमल्टेनियसली एक बार में पूरे सेल्स में स्टिमुलेशन हो जाएगा जस्ट बिकॉज ऑफ दी कम्युनिकेशन जंक्शन अब हम इसका डायग्राम देखेंगे फर्स्ट डायग्राम हमारे पास है स्केलेटल मसल टिश्यू का तो स्केलेटल मसल टिश्यू में आपको ये बीच बीच में जो दिख रहा है ये ब्लैक कलर की जो लाइंस दिख रही हैं दीज आर दी स्ट्राइशन दीज आर दी स्ट्राइशन बीच में यहां न्यूक्लियस प्रेजेंट है ये न्यूक्लियस है और ये मसल फाइबर है एक दो तीन सब मसल फाइबर है कार्डियक कार्डियक में आप देख पा रहे हो यहां एक कनेक्शन है यहां एक कनेक्शन है यहां एक कनेक्शन है जहां पर प्रेजेंट है इंटरकैलेटेड टू ट्रांसफर इन ऑल मसल सेल्स ऑफ मसल ठीक तो मसल सेल्स हाँ मसल सेल्स जैसे ही आता है तो हम मसल सेल्स को क्या बोलते हैं मायोसाइट्स बोलते हैं

न्यूरल या फिर नर्वस टिश्यू की न्यूरल या नर्वस टिश्यू में दो टाइप के सेल्स होते हैं एक सेल का नाम होता है न्यूरॉन नर्व सेल सेल लॉन्गेस्ट ऑफ बॉडी एंड न्यूरोग्लियल सेल्स ये दो चीजें हमारी न्यूरल टिश्यू बनाती है सबसे इंटेलिजेंट टिश्यू फंक्शन क्या होता है इस टिश्यू का जैसे मसल्स थी तो मसल्स का फंक्शन क्या था मूवमेंट कराना लेकिन यहां पर जो न्यूरल टिश्यू है इसका फंक्शन क्या है टू ट्रांसफर मैसेजेस टू ट्रांसफर मैसेज ऑफ दी दिस्ट्यूम टू दी बॉडी एंड फ्रॉम दी बॉडी टू दी बाहर के एनवायरमेंट को देखकर हमारी बॉडी जो भी रिएक्ट करती है वो सब कुछ न्यूरल टिश्यू की वजह से हो रहा है क्योंकि ये स्टिमुलस से मैसेज न्यूरल टिश्यू लेकर जाते हैं स्पाइनल कॉर्ड को देते हैं स्पाइनल कॉर्ड ब्रेन को देता है फिर ब्रेन बताता है क्या आंसर होना चाहिए फिर स्पाइनल कॉर्ड मैसेज भेजती है कि अब तुम्हें ऐसा करने की जरूरत है अगर ये स्टिमिला है तो ये सारा काम कौन कर रहा है नर्वस टिश्यू तो न्यूरल और नर्वस टिश्यू कंसिस्ट ऑफ टू टाइप्स ऑफ सेल वन इज द अनदर वन इज न्यूरोग्लियल सेल न्यूरोन्स आर द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ न्यूरल टिश्यू एंड आर एक्साइटेबल मतलब आर्क बनाने का रिफ्लेक्स आर्क बनाने का काम करता है क्लास टेंथ में हम पढ़ चुके हैं एक बार इसका डायग्राम देख लो क्योंकि डायग्राम से रिलेटेड क्वेश्चन मल्टीपल तो चॉइस क्वेश्चन अपना उसमें पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स में या बनाने को थ्योरी में भी दिया जा सकता है क्या-क्या प्रेजेंट होता है साइटोन होता है ये पूरा पोर्शन इज साइटोन या फिर सेल बॉडी जिसको बोलते हैं और ये वाला पूरा टेल वाला पोर्शन इज एक्सॉन साइटोन में होता है न्यूक्लियस हर सेल की तरह बीच में यहाँ पर होगा साइटोप्लाज्म साइटोप्लाज्म के अलावा डेंड्राइट्स इस साइटोन में सेल बॉडी में जुड़े होते हैं जो मैसेज ले करके आते हैं साइटोन यानी सेल बॉडी को देते हैं फिर सेल बॉडी वो मैसेज अपने एग्जॉन को देती है एग्जॉन में आपको श्वान सेल और माइलिन शीत दिख रही है जो न्यूरॉन को प्रोटेक्ट करके रख रही है और ये जो हमारा माइलिन शीत है इसमें ऐसे 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 जंक्शंस पर क्रॉस करके मैसेज जल्दी ट्रांसफर होता है ट्रांसफर होके जाता है कहाँ पर एग्जॉन टर्मिनल एग्जॉन टर्मिनल में होता है सिनेक्ट सिनेप्टिक नॉब जो न्यूरो रिलीज करता है ताकि दो न्यूरॉन के बीच में जो जंक्शन है जो कि सिनेप्स कहलाता है एक न्यूरॉन से निकल के न्यूरो आए तो न्यूरो के ऊपर ये इंपल्स आए और फिर नए डेंड्राइट को दे दे नया डेंड्राइट किसका होगा नए न्यूरॉन का तो ये फंक्शन होता है हमारे न्यूरल सेल्स का न्यूरोग्लियल सेल्स आर दी सपोर्टिंग सेल्स इन न्यूरल टिश्यू दे गिव सपोर्ट एंड प्रोटेक्शन टू न्यूरॉन बट आर नॉट एक्साइटेबल मैसेज ट्रांसफर कराने वाले सेल्स तो न्यूरॉन ही हैं लेकिन उनका सपोर्ट करने के लिए कंपैनियन सेल एक और प्रेजेंट है जो कहलाता है न्यूरोग्लियल सेल वो कोई भी मैसेज को ट्रांसफर नहीं करता कोई एक्साइटेबिलिटी शो नहीं करता है कोई नर्व इंपल्स वहां ट्रांसफर नहीं होती सिर्फ सपोर्ट प्रोवाइड करने का काम करता है न्यूरोग्लियल सेल दैट इज ऑल अबाउट द नर्वस टिश्यू जितना हमें इस चैप्टर में पढ़ना है दैट्स इट यहां पर हमने अपने सारे टिश्यूज कंप्लीट कर लिए हैं नेक्स्ट सेशन में हम मिलेंगे कुछ और इसी चैप्टर के कंसेप्ट के साथ तब तक के लिए आपको क्या करना है इस चैप्टर को अच्छे से रिवाइज करना है क्वेश्चन में आपको कराऊंगी आपकी सुविधा के लिए मैग्नेट ब्रेन ने ये जितने भी वीडियो चैप्टर के आप पढ़ते हैं उन सबको यूट्यूब के अलावा भी दो जगह अवेलेबल कराया है जो कि है मैग्नेट ब्रेन की ऑफिशियल वेबसाइट दैट इज डब्ल्यू डब्ल्यू डॉट मैगनेट ब्रीन्स डॉट कॉम एज वेल एज दी एप्स जो कि अवेलेबल है प्ले स्टोर पर मैग्नेट ब्रेन के नाम से उसको भी आप डाउनलोड करके देख सकते हैं करना क्या है आप टाइप करिए डब्ल्यू डॉट मैगनेट ब्रेन डॉट कॉम सर्च बार में एक ऑफिशियल पेज ओपन होगा जहां लिखा रहेगा एक्सप्लोर टॉप कोर्सेज जैसे ही आप टॉप कोर्सेज को एक्सप्लोर करेंगे तो वहां पर आपको अलग अलग ऑप्शन मिलेंगे सीबीएसई इंग्लिश मीडियम पढ़ना है हिंदी मीडियम पढ़ना है स्पोकन इंग्लिश एनटीएससी ओलंपियाड एवरीथिंग वट एवर यू वॉन्ट टू स्टडी क्लिक ऑन दैट आपने सीबीएसई इंग्लिश मीडियम पर क्लिक किया आपको एनसीआर एक्साम्पलर पढ़ना था वहां एक ऑप्शन मिलेगा एनसीआर एक्साम्पल सिक्स टू ट्वेल्थ हर सब्जेक्ट के टीचर के images के साथ उनके subjects mention है, अलग अलग क्लासेस के लिए के क्विक के कराए हुए हैं हर टाइप का बायोलॉजी पढ़ना है तो वॉच नाउ पर बायोलॉजी वाले सेक्शन में क्लिक करिए एक पेज ऐसा ओपन होगा डिस्क्रिप्टिव जहां पूरी इंफॉर्मेशन दी होगी कि क्या क्या है इस कोर्स में ठीक उसके बाद चैप्टर वाइज वीडियोस लिखा है यहां पर आप जब देखोगे नीचे स्क्रॉल करोगे तो आपको चैप्टर वाइज वीडियोस मिल जाएंगे सीक्वेंस में वहाँ वहां नाउ लिखा होगा जैसे ही वॉच नाउ पे क्लिक करोगे तो इस तरीके से लेक्चर प्ले हो जाएगा तो यू कैन वॉच लेक्चर्स एट दी ईज सबसे ईजिली समझ में आ गया सारी चीजें उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आई होंगी तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को सो so दैट आपका कोई नोटिफिकेशन मिस ना हो कुछ भी पूछना है कुछ भी बताना है आप कमेंट्स में मुझे बता सकते हैं आई विल वॉच इट एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड सिब्लिंग्स सो दैट वो भी मैग्नेट ब्रेन के प्लेटफॉर्म से पढ़ाई कर सकें जो प्रोवाइड कर रहा है 100% फ्री एजुकेशन किंडरगार्टन से क्लास 12th तक के सभी स्टूडेंट्स के लिए वो भी ऑनलाइन घर में बैठ के ठीक है तो मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट सेशन में तब तक के लिए इसको पढ़ के रखिएगा थैंक यू सो मच